Thank <laughs> you. नमस्कार आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सी हिंदी में मैं ललित यादव अपनी एक और धुआंधार रिवीजन सीरीज में आपका वेलकम करता हूं आज ये एम लक्ष्मीकांत की लास्ट क्लास है आज यहां से रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद और कुछ भी चीज बची नहीं है रिवीजन करने के लिए तो कंप्लीट रिविजन जो है वो खत्म हो जाएगा आज कुछ चैप्टर्स जो बचे हुए हैं शायद सेवेंटी चैप्टर से एटीथ उसको हम कंप्लीट कर लेंगे और एक ये जो संसदीय समितियों वाला जो चैप्टर है इसको तो लगभग पांच से छे चैप्टर जो है हम छे चैप्टर इस क्लास में कंप्लीट करने वाले रिवाइज करेंगे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मामला चलेगा चलिए जो नए दोस्त हैं जो मेरे बारे में नहीं जानते मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं मेरा नाम ललित यादव है मैंने डबल एम किया है लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान से बी किया है सी टेट है एमए में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजिशन पर रहा हूं एम की है एम में भी गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं साथ ही मेरा जे क्वालिफाइड है लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से मैंने जे आर क्वालिफाई किया हुआ है पी ऑलमोस्ट लगभग लगभग खत्म होने वाली है मेरी जितने भी मेरे दोस्त अगर आप पी चाहते हैं फ्री पी तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं यहां पर आपको सारी की सारी पीडीएफ जो है फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी टेलीग्राम चैनल का नाम है अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला यहां पर सारी की सारी पीडीएफ जो है फ्री में मैंने अपलोड कर रखी है डाउनलोड कर लीजिए क्लास का लिंक भी आपको यहीं पर मिलेगा पता यहीं से चलेगा कि कब क्लास होने वाली है कौन सी क्लास होने वाली है कई बार क्लासेस ऊपर नीचे होती है तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और बाकी जो सीरियस कैंडिडेट हैं और जो एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट अन से हर साल रहता है इसलिए तीन साल से मैक्सिमम टॉपर्स अन से ही निकले जिन्होंने यहाँ पर एडमिशन लेकर के पढ़ाई की है आप उन सबको देख सकते हैं सबसे बढ़िया फायदा क्या है कि इंडिया के सारे टॉप टीचर्स की टीम हम सभी लोग मिलकर के आप सबके लिए तैयारी कराते हैं आपको सभी की क्लासेस मिलेंगी एक ही एडमिशन से आपको हिंदी इंग्लिश बाइलिंग दोनों तरीके की ती, तीन, तीनों तरीके की क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशन मिल जाएंगे बाकी अभी आप सबके लिए डिस्काउंट चल रहा है रहे पर ट्वेंटी का डिस्काउंट चल रहा है अगर आप में से कोई भी दोस्त ये रेफरल कोड अप्लाई करता है ना एल वाई एल आई वीई स कोड को अप्लाई करके कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको फीस में ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा सितंबर तक अक्टूबर तक अक्टूबर बीस परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है बेनिफिट उठा लीजिए बाकी प्रॉपर पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी कोशिश करना है कि आइकोनिक कोर्स लें क्योंकि आइकोनिक कोर्स में आप डायरेक्ट टीचर से बात कर सकते हैं क्लास के अंदर सीधा बोल करके सवाल पूछ सकते हैं टोटली जो बुक्स हैं 20 बुक्स का सेट है का तो ये ट्वेंटी बुक्स जो हैं ये आपके घर पर पहुंचा दी जाएंगी जब भी ज्वाइन करेंगे तो हार्ड कॉपी मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके साथ साथ मेंस की आंसर राइटिंग जो है ये डेली बेसिस पर आपके लिए यहां पर होती है तो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको मेन्स की आंसर राइटिंग रेगुलर मिलेगी और मेन्स के ऊपर ही सारा सिलेक्शन है उसमें अच्छा नंबर आएगा तो टॉप हंड्रेड में टॉप वन में आपका सिलेक्शन होने के चांस जो है वो बढ़ेगा ठीक है बाकी जो मेरे दोस्त हैं अगर फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम है या एक बार में फीस नहीं देना चाहते तो मैं आपका सब्सक्रिप्शन ईएमआई पर भी करा सकता हूं मंथली बेसिस पर महीना महीना करके आपका एडमिशन आपको फीस पे करनी रहेगी क्या करना है उसके लिए आपको टेलीग्राम पर मेरी टीम का नंबर है उस पर कॉल करना है कॉन्टेक्ट करना है और फिर आपको पूरी सपोर्ट पूरी हेल्प जो है वहां से मिलेगी मैं आपकी पूरी की पूरी फीस सबमिट करा करके भर के आपका एडमिशन करवा दूंगा अन पर और फिर जो आपका एडमिशन करवाया गया है वो फीस आपको महीना महीना करके वापस देनी पड़ेगी उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगता कोई एक्स्ट्रा चार्ज कुछ भी नहीं लगता है आपको जितनी फीस भरी गई है उतना ही आपको रिटर्न करना है ये अगर आपको गारंटी जो आपकी जो एजुकेशन लोन की गारंटी है वो मैं लूंगा मेरी श्योरिटी पर मेरी गारंटी पर आपका एडमिशन हो जाएगा तो जब भी कोर्स लें तो एक बार टेलीग्राम चैनल पर नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना ये कोड लगाना है याद रखियेगा एलवाई लाइव और अभी ट्वेंटी तो like आज मतलब एक ऐसे टाइम पर क्लास हो रही है जो रेगुलर अपना क्लास का टाइम नहीं है ठीक है लेकिन फिर भी एकदम से त्योहारों का सीजन चला हुआ है ना चीजें ऐसे ही हो रही है स्टार्ट करते हैं बहुत छह या सात चैप्टर आज इसमें कराने वाले हैं ठीक है एक बार लाइक शेयर करते चले आइए सब लोग मैं इसको एक बार फिर से शेयर कर देता हूं जरा ताकि सबको पता चल जाए देखिए आगे बढ़ने से पहले हाउस द जोस ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट जो है आपको पूरी फीस पर मिलेगा ठीक है यह ध्यान रखना टोटल फीस पर अभी चौदह तारीख तक ट्वेंटी के फोर्टीन के बाद ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट नहीं है अभी फिलहाल वो मे भी एक्सटेंड हो या ना हो उसका पता नहीं लेकिन अभी जो फाइनल डेट आई है वो चौदह तारीख है ये तब तक आपको ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट मिलेगा आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो और मैं गाइड भी करूंगा मैं सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूँ वन ऑन वन गाइड करता हूँ वीडियो कॉल पर गाइड करता हूं सीधा मिलकर के भी गाइड करते हैं मेन चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है गाइडेंस वही सबसे जरूरी है आप अगर एडमिशन से पहले मेरे से बात करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मेरी टीम का नंबर है उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए वो आपकी बात मेरे से करा देंगे चलिए हाउस द जोश जोश कैसे है भाई हाउइ द जोश एक हाई जोश आपका दिखना चाहिए हाई जोश के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीजों के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे बहुत जो काम की नहीं है उनके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे कोशिश ये रखेंगे कि एक क्लास थोड़ी सी प्रिलिम्स ओरिएंटेड ज्यादा रहे जहां से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे सात छह से सात चैप्टर आज इस क्लास में हो जाएंगे चलिए जब भी हम पार्लियामेंट्री कमेटीज की बात करते हैं ना देखिए भारत की संसद जब आप देखोगे तो वो बहुत बड़ी संस्था है और उसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं 800 के करीब लोग हैं सारे वहां पर जो वहां के सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा के अब ऐसे में देश का कानून बनाने कानून बनाने के साथ साथ देश का साथ शासन चलाने से संबंधित चीजें सरकार को पैसा जो दिया गया है वो पैसा सही तरीके से खर्च किया गया है कि नहीं या सरकार को जो पैसे की डिमांड कर रही है वो डिमांड सही है कि नहीं इन सब चीजों के लिए आप हर बात के लिए पूरी संसद के साथ अगर चर्चा विचर्चा करते हुए काम करोगे तो वो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी और बहुत टाइम लगेगा इनके सामने कोई विषय आएगा तो अगर हर मामले पर पूरी संसद से डिस्कशन करोगे तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा और इतना प्रभावकारी चीजें हो भी नहीं पाएंगे ऐसे इसलिए क्या किया जाता है कामों को ना थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाता है चीजों को बांट दिया जाता है समितियों के माध्यम से जैसे आपने 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 पढ़ा होगा होगा प्रवर समिति नाम सुना बजट पढ़ते टाइम बहुत सारे कमेटीज के बारे में सुना होगा ठीक है स्टैंडिंग कमेटी और इन सब का तो उसी तरीके से क्या किया जाता है कि हर विषय के लिए हर चीजों के लिए कुछ कुछ सदस्यों की एक टीम बना दी जाती है उन टीम वो टीम को जो विषय दिया गया है जो तो सब्जेक्ट दिया गया है उस सब्जेक्ट के ऊपर वो अपना काम करते हैं अगर वो जांच पड़ताल का काम है तो जांच पड़ताल करते हैं बहुत डिटेल से किसी चीज के ऊपर डिस्कशन करना है तो वो डिस्कशन करते हैं ये सारा का सारा काम एक एक टीम बना बना करके करते हैं तो ये जो टीम बनाई जाती है ना यही बेसिकली समितियां होती हैं संसद के अंदर तो संसद के जो कार्य जो जटिल और बड़े हैं उनको दूर कर उनको पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है संसद के पास ठीक है इस और ना ही हर कोई उतना विशेषज्ञ है कि उनके ऊपर डिस्कस करें विशेषज्ञ कैसे नहीं है आप समझना कि संसद के अंदर जितने भी मेंबर हैं आप उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो कोई फाइनलाइज है नहीं कि भाई आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कोई भी व्यक्ति सांसद बन सकता है जो भी भारत का नागरिक है।, है ना तो ऐसे में हो सकता है कम पढ़े लिखे या बिना पढ़े लिखे लोग भी हो तो हर मुद्दे के ऊपर कई सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको थोड़ी विशेषज्ञता चाहिए थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन चाहिए उससे जुड़े व्यक्ति उस काम से संबंधित व्यक्ति अगर उस काम को हाथ में लेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे ठीक है तो ऐसे में गहन छानबीन करने विधायी उपाय जो अच्छे उपाय सुझाने कोई अच्छी सुझाव देने संसद के कार्य को और बेहतर बनाने और विशेषज्ञतापूर्ण बनाने के लिए ऐसे स्पेशलिस्ट लोगों की जरूरत होती है तो ऐसे संसद के अंदर जो इस तरीके के लोग होते हैं ना अलग अलग जिनके अंदर कुछ विशेषज्ञता है कुछ गुण है, है समितियों के माध्यम से एकत्रित कर दिया जाता है एक टीम बना दी जाती है यही कारण है कि अनेक समितियां अपने कर्तव्यों के निर्वहन में इनकी मदद करती हैं अगर हम संसदीय समितियों को बात करें तो दो हिस्सों में बांटते हैं एक जिसको हम स्थायी समिति बोलते हैं और दूसरे जिसको तदर्थ समितियां स्थायी समिति मतलब ये हर साल बनाई जाती है फिक्स है परमानेंट है ठीक है कि हर साल बनाई ही जाएंगी अलग अलग चीजों के लिए तदर्थ समितियां जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि भाई उनको जरूरत पड़ने पर उनको बना दिया जाता है नहीं जरूरत होती तो नहीं बनाया जाता ठीक है समितियां प्रकृति की होती हैं जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं जिनका गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जा सकता है यह चीज ध्यान रखना है भारत में स्थायी समितियों की जब भी बात करेंगे तो ये रेगुलर वार्षिक आधार पर इनका निर्माण होता रहता है ठीक है ये ध्यान रखना अब हम कुछ इंपोर्टेंट समितियों को देख लेते हैं वित्तीय समितियां तीन वित्तीय समितियां हैं जो बहुत इंपोर्टेंट हैं जहां से क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं हर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए तो लोक लेखा समिति इसके ऊपर चर्चा करते हैं बहुत काम काम की चीजों को लेकर के चलते हैं सबसे पहले तो इसका गठन जो है ना पहली बार उन्नीस में हुआ था इस तो ये इंपोर्टेंट है कई बार

आ, कुल तीस सदस्य होते हैं इस तरीके से स्टेटमेंट दे दी जाएगी तो ये गलत हो जाएगी कई बार ऐसे स्टेटमेंट दे दी जाएगी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में कि लोक लेखा समिति के अंदर सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों सदनों की समिति है लोकसभा और राज्यसभा बाईस सदस्य होते हैं पंद्रह लोकसभा से सात राज्यसभा से कार्यकाल जो है एक वर्ष के लिए होता है किसी भी मंत्री को आप इन समितियों में नहीं लेते देखिए जितनी भी स्थायी समितियां ना उसमें आप मंत्री को नहीं डालते हैं उसका रीजन है बड़े ध्यान से समझिए इन सारी समितियों को बनाने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि ये सरकार के ऊपर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ला सके वित्तीय जवाबदेही जो है कार्यपालिका की वो तय कर सके कि सरकार ने जो खर्च किया सरकार ने जो अर्न किया वो सही तरीके से खर्च किया सही तरीके से अर्न किया कहीं ज्यादा एक्सेस में तो उसका वो चीजें नहीं हो गई हैं तो ये सारी की सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब इसके अंदर निष्पक्ष आधार पर फैसला लेने वाले लोग होंगे अगर मंत्री है मंत्री खुद कार्यपालिका का हिस्सा है अगर मिनिस्टर वो खुद इस समिति का सदस्य हो जाएगा तो ऐसे में क्या होगा वो हर चीज को सही ठहराएगा सरकार ने जितना भी खर्च किया उसको बोलेगा बिल्कुल ठीक है जितना भी पैसा है बोलो ये भी ठीक है कोई ठेका किसी को दिया कम दाम पे दे दिया तो उसको भी वो सही बोलेगा अगर मंत्री किसी समिति में होगा तो वो अपना ही प्रभाव जमाएगा किसी और को चलने नहीं देगा है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप हैं आपको आपकी फैमिली ने पैसा दिया ठीक है आपकी मम्मी या पापा आपको काम करने के लिए मान लेते हैं कि आपको पॉकेट मनी देते हैं कि भैया आप पढ़ाई कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं और आपको वो दस हजार रुपए महीने का एक खर्चा मोटा मोटा दे रहे हैं अब उस दस हजार रुपए के बारे में वो आपकी पूरी जांच पड़ताल खुद से करते हैं चेक करते हैं कि भैया देखो किसने ने कहा, कहा क्या, क्या क्या खर्चा किया समय समय पर पूछ रहे होते हैं अगर आपसे वो पूछे अपने खर्चे के बारे में कि भाई तुम्हें जो दस हजार रुपए दिए क्या तुमने सही खर्च किए तो तुम अपने सारे खर्चों को जायज ठहराओगे चाहे हो सकता है कि तुमने उस दस हजार से पार्टी करी हो डिस्को में गए हो क्लब में गए हो पढ़ाई करने के बजाय बुक्स लाने के बजाय दोस्तों के साथ चले गए हो अपने खास चाहने वाले लोगों को किसी को गिफ्ट दे दिया हो किसी ना उसमें खर्च कर दिया अब ऐसे में फिर आपको पैसे की और जरूरत पड़े फिर आप फैमिली से मांगो और फैमिली आपसे पूछेगी कि बताओ कि बताओगी दस हजार रुपए खर्च किए थे तुम खुद सोच करके बताओ तुमने सही किए तो तुम तो अपने दिमाग में सोचोगे सही किए दोस्त का जन्मदिन था चाहने वाले थे प्रेम था तो गिफ्ट देना भी जरूरी है गिफ्ट दे दिया किस क्या गलत किया ठीक है थोड़ा इंजॉय करना था लाइफ को क्लब में चले गए डांस करने चले गए क्या गलत किया ठीक है आप तो अपना खर्चा सही ठहराओगे अगर आपको ही उस चीज में रख दोगे लेकिन अगर मान लेते हैं कोई दूसरा पर्सन किसी और व्यक्ति को ये खर्चे के बारे में आपने जो खर्चा किया उसके बारे में विश्लेषण करने के लिए कहा जाए कि जरा चेक करके बताओ ये जो बता रहे हैं ये जो खर्चा इन्होंने किया, किया ये जायज है कि नहीं तो वो चेक करके बताएगा ना कि भाई अभी जिस तरीके की भारत परिवार की स्थिति है उस हिसाब से इसको किसी को गिफ्ट देने की जरूरत नहीं थी ठीक है और ऐसे टाइम में गिफ्ट देने की जरूरत जब खुद कमाता नहीं है है ना ये पैसा दिया गया था पढ़ाई के लिए लेकिन इसको दे दिया किसी को गिफ्ट ठीक या क्लब में चला गया इसकी जरूरत नहीं है तो वो आपके ऊपर कांटा लगा देगा आपके ऊपर सवाल उठाएगा बताएगा कि भैया ये पैसा ऐसा क्यों खर्च किया तो जो परिवार की आर्थिक स्थिति है वो होगी भारत की अर्थव्यवस्था या भारत की संचित निधि मान लीजिए ठीक है और जो खर्च करने वाला जो आप थे उसको मान लीजिए कि वो होगी कार्यपालिका सरकार और आपके ऊपर जो जांच करने वाले जो आपके सारी चीजों के ऊपर की पैसा कैसे खर्च हुआ किधर नहीं हुआ उसको मान लीजिए कि वो है लोकलेखा समिति वो ये काम करती है ठीक है तो इसलिए इसमें मंत्री नहीं होते हैं ये ध्यान रखना है समिति का अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा और लोकसभा का कोई सदस्य ये ध्यान रखना लोकसभा का कोई सदस्य ही इस समिति का अध्यक्ष होगा हालांकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं लेकिन इसका अध्यक्ष हमेशा लोकसभा से होगा उसकी नियुक्ति भी लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाएगी अब यह महसूस किया गया जब यह समिति बनाई गई कि यार इसके अध्यक्ष को आम तौर पर स्टार्टिंग में पक्ष विपक्ष किसी से भी बना दिया जाता था तो यह महसूस किया गया कि यार अगर सत्ताधारी पार्टी का कोई व्यक्ति इस समिति का अध्यक्ष बनेगा तो वो तो अपनी पार्टी के हर चीज को यानी कि कार्यपालिका को हर खर्चे को हर बात को वो डिफेंड करेगा उसको सही बोलेगा थोड़ा सा पक्षपाती रवैया होने की संभावना है तो उन्नीस से भारत में एक ट्रेडिशन चला एक परंपरा चली उससे यह परंपरा चली कि समिति का जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा विपक्षी दल से ही चुना जाएगा अपोजिशन की जो पार्टी है वहां से ही चुना जाएगा तो तब से इसका अध्यक्ष जो है हमेशा अपोजिशन पार्टी से होता है अब देखिए केवल इतनी सी स्लाइड से आपका एक पूरा का पूरा प्रश्न बन जाएगा लोकलेखा समिति से माध्यम से बड़े ध्यान से समझना सबसे पहला तो आप में से जितने भी दोस्त हैं पहला क्यों सवाल किस तरीके से पूछ सकते हैं कि लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए ठीक है और पहला कथन आपको दे दिया जाएगा कि लोक लेखा समिति की स्थापना उन्नीस में की गई दूसरा कथन लोक लेखा समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं तीसरा कथन लेखा समिति के अंदर लेखा समिति के अध्यक्ष कोई मंत्री होता है या मंत्री ही और चौथा कथन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है या पांचवा कथन भी दे देते हैं कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी पार्टी का एक सदस्य होगा अब आपसे कह दिया जाएगा कि गलत कथन चुनिए और आपके विकल्प रहेंगे ए, एक, दो, एक, तीन पांच गलत बी दो और चार गलत सी एक दो तीन चार पांचों गलत सी और डी एक दो तीन चार पांच पांचों सही तो ऐसे में आपको करेक्ट आंसर देना है जितने भी कमेंट का आंसर दीजिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए बाकी आपके कोई भी सवाल है क्लास के बाद में पूछेंगे क्लास से रिलेवेंट सवाल नहीं है तो उनके ऊपर बीच में डिस्कस नहीं करेंगे क्लास से रिलेटेड सवाल है उनको हम अभी डिस्कस करेंगे बाकी क्लास के अलावा जब एंड का टाइम आएगा उस टाइम आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं पूछना आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा तो इसका आंसर दीजिए सब लोग जो सवाल पूछा उसका आंसर दीजिए सारी की सारी स्टेटमेंट गलत है कामेश्वरी ने बिल्कुल सही आंसर दिया बहुत बढ़िया कामेश्वरी चलिए अब बात कर लेते हैं इसका प्रमुख काम क्या होता है मेन काम क्या होता है मेन वर्क जो है इसका क्या होता है समिति के कार्यों के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच प्रमुख है जो कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद में रखवाते हैं और उस कैग की रिपोर्ट को उसकी जांच पड़ताल करती है लोकलेखा समिति तो लोकलेखा समिति को कैग का सहायक दोस्त मित्र जो है वो कहा जाता है कैग का मुख्य काम क्या होता है वो बेसिकली ये चेक करता है कि सरकार ने मान लेते को ठेका दिया मान लेते हैं कि अभी फाइव जी स्पेक्ट्रम की बात चल रही है ना फाइव जी लाने की बात कर रहे हैं अब मान लेते हैं सरकार किसी कंपनी को ठेका दे रही है कि भाई भारत के अंदर पूरे भारत में फाइव जी का नेटवर्क जो है आपको फैलाना है और इसके लिए सरकार ने बोलियां ठेका देने के लिए आमंत्रित किया कि चलो भाई बोली लगाओ जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको हम दे देंगे ठीक है अब ऐसे में मान लेते हैं कि फाइव जी स्पेक्ट्रम का आवंटन एक कंपनी को कर दिया गया और उस कंपनी से उसके बदले में ले लिए गए दस हजार करोड़ रुपए ठीक है अब कैग जो है ना उस चीज की जांच करता है उन चीजों की जांच पड़ताल करेगा ठीक है और जांच पड़ताल करके वो ये बताएगा कि यार ये जो ठेका दस हजार करोड़ में दिया गया है इसमें हो सकता है कुछ वित्तीय अनियमितता पाई गई है दस हजार करोड़ की बजाय इसकी इसमें बीस हजार करोड़ भी मिल सकते थे वो अनुमान भी लगाते हैं एक एस्टिमेट भी लगाते हैं कि बीस हजार करोड़ भी मिल सकते थे तीस हजार करोड़ भी मिल सकते हैं हो सकता है कि गलत तरीके से गलत प्रक्रियाओं के माध्यम से कुछ कंपनियों को फेवर करने के लिए उसका फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके का ठेका दिया गया इससे भारत की अर्थव्यवस्था को या भारत की जो राजस्व है उसमें बीस हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ वो इस तरीके की चीजें बताएगा जब वो रिपोर्ट देता है ना तो वो रिपोर्ट के बारे में जांच पड़ताल जो है वो लोकलेखा समिति करेगी फिर ये भी चेक करेगी कि हाँ भैया जो कैग ने जो अनुमान लगाए हैं या जो रिपोर्ट दी है वो सही है कि नहीं है वो गलत है कि सही है ठीक है इस तरीके से रहेगा तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो ना राष्ट्रपति को तीन प्रतिवेदन सौंपता है इन तीनों में से जो सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा प्रतिवेदन है इसको छोड़ करके बाकियों की जांच लोक लेखा समिति करती है इसके लिए सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है वो करती है सार्वजनिक समिति जो है वो सार्वजनिक व्यय में तकनीकी अनियमितता की जांच मात्र कानूनी या औपचारिक दृष्टिकोण से ही नहीं करती बल्कि अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखने के अतिरिक्त समझदारी, समझदारी और विवेक तथा उपयुक्तता के दृष्टिकोण से भी करती है ताकि अपव्यय क्षति भ्रष्टाचार अक्षमता तथा निरर्थक खर्चों के मामले सामने लाए जा सके और कार्यपालिका में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि बहुत बड़ी समस्या है भारत के अंदर कि

क्या वो चीज चार रुपए में हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी इस तरीके के एक्स्ट्रा खर्चे ना हो मितव्ययिता बनी रहे इन सब चीजों की जांच पड़ताल जो है वो लोक लेखा समिति करती है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को सब्जी लेने के लिए भेजा गया ठीक है आपको हजार रुपए दिए गए और आपको कहा कि जी मार्केट में जाइए सब्जी लेकर के आइए अब ऐसे में मार्केट में जाकर के आप सब्जी खरीदने गए किसी ने कहा कि टमाटर आपने पूछा टमाटर कितने रुपए किलो है तो आप उसने बोला कि सो रुपये किलो आपने उसको दे दिए और आ गए फिर आप कहीं और दूसरा फ्रूट लेने गए सेव खरीदने गए आपने पूछा सेव क्या रेट है दुकानदार ने बोला कि भैया तीन सौ रुपए किलो है तो आप तीन सौ रुपए दिए लेकर के आ गए यानी कि जितना रेट बोला उतना लेकर के आ गए अब हजार रुपए में आप सामान ले आए घर पे पहुंचते हैं अब घर पे पहुंच करके मम्मी है वो मम्मी बोलेगी यार ये कैसे मैं तो कल सब्जी लेकर के आई थी टमाटर लेकर के आई थी तो मैं सत्तर रुपए किलो लेकर गए तुम सौ रुपए किलो लाए तीस रुपए तुमने इसमें एक्स्ट्रा खर्च कर दिए घर के ऊपर आर्थिक बर्डन पड़ गया ठीक है सेव बोलेंगे कि मैं डेढ़ सौ रुपए किलो लाई तुम तीन सौ रुपए किलो ले आए तुमने इसके लिए दूसरे विकल्प क्यों नहीं देखे और जब एक मार्केट में दस दुकानें हैं तो तुम सेम चीज अगर कोई सस्ती दे रहा है और वही चीज कोई महंगी दे रहा है तो तुमने महंगी वाले से क्यों खरीदी तो इसका मतलब यह है कि तुम या तो कार्यशील नहीं हो सक्षम नहीं हो तुमने इतना एक्स्ट्रा खर्चा किया घर के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ाया इतने का डबल सामान आ सकता था तुमने आधा ही लेकर गए सेम ये घर का जो आर्थिक बोझ है वो देश के आर्थिक उसके ऊपर ले लीजिए देश की अर्थव्यवस्था ले लीजिए सब्जी के मार्केट जो है उसको भारत की अलग अलग उद्यम या अलग अलग चीजें अलग अलग योजनाएं ले लीजिए और जो लड़का जो खर्च करके आया उसकी जगह पर आप सरकार को रख लीजिए जिसने वो किया तो एक तो ये हो सकता है कि उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि भाई इस तरीके से भी चीजें की जा सकती हैं बचाया जा सकता है या एक दूसरा कारण हो सकता है दूसरा कारण क्या हो सकता है कि वो जाए आपको सब्जी लेने के लिए भेजा गया और आपकी मम्मी ने कहा कि मेरे को बिल लेकर के आना बिल लेकर के आओगे तो मैं मानूंगी आप सब्जी लेने गए आप एक सेब वाले से बात की और सेब वाले से बोले कि भाई एक काम करो सेब वाले आ, सेव का रेट उसने बोला आपने मार्केट में खूब अच्छे से तसली की तो आपने बताया कि भैया तीन रेट तो है नहीं गलत बात है डेढ़ सौ रेट है मार्केट में तो एक, किलो का। एक काम करते हैं सौ साठ रुपए देता हूं दस रुपए एक सौ साठ के हिसाब से दो लेकिन तुम मेरे को बिल बना करके तो तीन सौ रुपए कि किलो सेव दिया है अब आप वही सेव किसी से एक सौ पचास में खरीदते दूसरे व्यक्ति से एक में खरीद रहे हो तो उसने कहा कि चलो यार दस एक्स्ट्रा आ रहे मैं तुम्हें तीन का बिल बना करके दे देता हूं ठीक आपने चीज ली 160 में लेकिन उसका बिल दिखाया खर्चा दिखाया तीन सौ रुपए सेम ऐसे ही आपने टमाटर में कर लिया टमाटर आपने लिए मान लेते हैं कि साठ रुपए सत्तर रुपए में लेकिन उसका बिल ले लिया सौ रुपए का अब घर जाकर के आपने बात सेम वही चीज बोली घर पे कि देखो मैं सेव तीन सौ का लाया ये आ टमाटर इतने का लाया ये लो बिल अब इसमें आपने क्या कर दिया आपने धांधली कर लिया आपने कर दिया भ्रष्टाचार गबन कर दिया ठीक है तो ऐसे में अगर मान लेते हैं कि आपकी मम्मी मार्केट में पहुंच जाए खड़े होकर के विल देखे और बोले कि अच्छा तीन सौ रुपए के से हो किस दुकानदार से लाया चलो जर, जरा मैं भी जा करके देख कर करके आती हूं लेकर के चलो और तुम्हारी मम्मी वहां पर पहुंच जाए और उस दुकानदार की खटिया खड़ी कर दे वहां पर उसके डांट लगाने लग जाए खूब और फिर दुकानदार से और बाकी लोगों से जांच परख करने के बाद मम्मी को पता चल जाए कि भैया तीन सौ रुपए का तो लिया ही नहीं गया ये खर्चा तो एक सौ साठ डेढ़ सौ का ही होना था बाकी तो ऐसे ही व्यर्थ का खर्चा दिखा दिया गया है ना तो वैसा काम जो है कैग और लोक लेखा करते हैं वो ये चेक करते हैं कि सरकार ने जो खर्च किया वो सही तरीके से खर्च हुआ कि नहीं क्या कहीं अत्यधिक व्यर्थ में तो खर्च नहीं कर दिया क्या कहीं किसी को फायदा पहुंचाने के लिए भ्रष्ट तरीके से तो खर्च नहीं कर दिया क्या किसी चीज को जो जिससे राजस्व प्राप्ति होती है सरकार के पास पैसा आता है क्या वो पैसा वाले मामले में आने में कोई ऐसी प्रक्रिया कोई ऐसा गबन तो नहीं किया गया जिससे किसी को फायदा हो गया और देश को नुकसान हुआ हो यह सारी की सारी चीजें जो हैं काम जो आप देखोगे लोक लेखा समिति के माध्यम से किया जाता है इतना ही समझना था आपको अब एक होती है प्राकलन समिति जिसको हम बोलते हैं एस्टिमेट कमेटी नाम से ही समझ जाएंगे एस्टिमेट मतलब एक अनुमान लगाना कि भैया किस किस में कितनी चीजें हो सकती हैं तो ये अनुमान लगाने का काम जो है बेसिकली आपको देखने को मिलेगा सबसे पहली बार अगर हम आजादी के बाद बात करते ना तो जोन मथाई जो है उनकी सिफारिश पर उन्नीस में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था ठीक है इसमें ओरिजिनली हम बात करें तो 25 सदस्य थे लेकिन वर्तमान में इसमें 30 सदस्य हैं 1956 में इसकी संख्या बढ़ाई गई थी सारे के सारे सदस्य लोकसभा से हैं संसद की सबसे बड़ी स्थाई समिति जो है वो प्राकलन समिति अनुमान समिति या एस्टिमेट कमेटी जिसको बोलते हैं वो होती है कई बार आपसे पूछ लिया जाता है यूपीएससी में कि संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति कौन सी है तो सबसे बड़ी स्थायी समिति में अनुमान समिति इसका करेक्ट आंसर रहेगा सारे सदस्य लोकसभा से ही होते हैं अब आप कहोगे सर लोकलेखा में तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से था जिसका काम था सरकार के किए गए खर्चों के ऊपर राजस्व की प्राप्ति इन सब चीजों के ऊपर या कैग की रिपोर्ट की जांच पड़ताल जो कर रहे हैं उनके ऊपर जांच करना लेकिन अनुमान समिति के अंदर केवल लोकसभा के सदस्य क्यों यह सवाल आपसे पूछा भी जा सकता है मेंस में ही पूछा जा सकता है कि जहां लोकलेखा समिति में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को प्रतिनिधित्व तो दिया गया है वहीं अनुमान समिति केवल लोकसभा तक सीमित रखी गई है क्यों तर्कपूर्ण विवेचन कीजिए इस तरीके से सवाल क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं तो ऐसे में फिर आपको आंसर देना पड़ेगा आपको बताना है कि भाई जो बजट बनता है बजट से रिलेटेड धन विधेयक से रिलेटेड खर्चा करने पैसा पाने इससे रिलेटेड सारी की सारी पावर जो है केवल लोकसभा में है तो ऐसे में किस चीज के ऊपर कितना खर्चा होगा क्या नहीं होगा यह भी एक तरीके से लोकसभा का ही विशेषाधिकार है इसीलिए लोकसभा की जो है इसमें रखा गया तीस के तीस सदस्य जो है लोकसभा से होते हैं एक वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा से कोई नहीं होता है लोकसभा के अध्यक्ष जो है ये ध्यान रखना कि लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी को नियुक्त करते हैं एक इंटरेस्टिंग सी चीज जो इसमें यह है वो क्या है कि ये सत्ताधारी पार्टी के ही सदस्य होते हैं हमेशा जब भी अगर हम बात करते हैं अनुमान समिति की तो सारे के सारे सदस्य जो हैं वो लोकसभा से हैं पहली चीज अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करेंगे तीसरी चीज जो इस समिति का अध्यक्ष होगा वो रूलिंग पार्टी का होगा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी पार्टी से होगा प्राकलन समिति अनुमान समिति या एस्टीमेट्स कमेटी इसका अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी पार्टी से होगा यह चीज आपको समझते हुए चलना है ठीक है जी अब इसका काम है कि बजट में सम्मिलित प्राकलनों की जांच करना तथा सार्वजनिक व्यय में किफायत के लिए सुझाव देना जब बजट में आप देखोगे बजट आता है तो बजट में अलग अलग तरीके की डिमांड रखी जाती है ठीक है अनुदानों की मांग रखी जाती है कि भैया हमें एक ये नीति लगानी इसके ऊपर इतना खर्चा होगा ये इस पर काम करना इसके लिए इतना बजट चाहिए तो ये जो डिमांड कर रही है ना सरकार ये पैसा खर्चा जो मांग रही है उसके ऊपर जो है ये काम करती है उनकी जांच ये करती है कि भाई जो पैसा मांगा गया वो सही है कि नहीं ठीक है कहीं अति उत्साह में या बहुत ज्यादा खर्चे के लिए बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं मांग लिया है पिछली बार सेम पॉलिसी के लिए एक हजार रुपए मांगे थे इस बार उसके लिए दो हजार रुपये मांगे जा रहे हैं ऐसा क्यों क्या ऐसा करने जा रही है तो ये सारी की सारी चीजें ताकि जो जो है है ना उसको मित जो है वो बनी रहे इसके ऊपर सिफारिश पर पहली बार गठित हुई समिति पहले पंद्रह सदस्य थे लोकसभा और राज्यसभा से लेकिन अभी वर्तमान में बाईस सदस्य हैं ये ध्यान रखिएगा इसमें पंद्रह लोकसभा से सात राज्यसभा से तो लेखा समिति और सार्वजनिक उद्यम समिति दोनों में सदस्य की अगर हम बात करते हैं तो बराबर हैं इक्वल हैं कहां से इक्वल हैं लोकसभा से भी पंद्रह सदस्य राज्यसभा से भी सात सदस्य दोनों ही सदस्य समितियों में बाईस बाईस सदस्य होते हैं यह ध्यान रखना है एक साल का, का कार्यकाल है तीनों जो वित्तीय समितिया हमने देखी तीनों का कार्यकाल एक साल का है कोई भी मंत्री जो है वो किसी भी स्थायी समिति का सदस्य नहीं हो सकता चाहे वो कोई भी समिति हो ध्यान रखना अब लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो ही इसके अध्यक्ष की अपॉइंटमेंट करते हैं इसका अध्यक्ष जो है वो लोकसभा का कोई मेंबर होगा ठीक है ये चीज ध्यान रखना इसका मतलब एक चीज समझिए आपने तीनों समितियां देखी आपने लोक लेखा समिति देखी प्राकलन समिति देखी और आपने सार्वजनिक उद्यम समिति देखी ठीक है इन तीनों ही समितियों का अध्यक्ष लोकसभा का मेंबर रहेगा ये एक कॉमन चीज है जो आपको ध्यान रखना है दूसरी चीज इन तीनों ही समितियों में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं बनेगा ये दो चीजें हैं इसके अंदर कॉमन और तीसरी कॉमन चीज जो है वो ये है कि इन समितियों का जो अध्यक्ष है हेड है उसकी नियुक्ति उसकी अपॉइंटमेंट लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाएगी तो ये तीन चीजें थी जो इन तीनों समितियों में एक समान है एक जैसी है ठीक है कॉमन चीजें हैं जो आपको याद रखना है जो इसकी अगर हम बात करते हैं तो कैग जो है वो सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित अपनी रिपोर्ट सौंपता है उनसे संबंधित रिपोर्ट की जांच पड़ताल जो है है ये वाली समिति करती है। अब स्टैंडिंग कमेटी कुछ स्थाई समितियां भी होती है अगर हम बात करते हैं तो स्थाई समितियां उन्नीस में, में गठित की गई थी पहले सत्रह थी वर्तमान में चौबीस है ध्यान रखना वर्तमान में चौबीस स्थायी समितियां हैं इन सभी समितियों के अंतर्गत कार्य क्षेत्र में सरकार के सभी मंत्रालय और सारे के सारे विभाग ये इसके अंतर्गत आते हैं और ये इनके संदर्भ में वित्तीय उत्तरदायित्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं ठीक है हर स्थायी समिति में 31 सदस्य होते हैं 21 लोकसभा से और 10 जो है वो राज्यसभा से ठीक है चलिए अब आ जाते हैं अगर हम बात करते हैं मंत्री सदस्य नहीं हो सकते एक साल का कार्यकाल होता है ठीक है चौबीस जो स्थायी समितियां हैं इनमें से आठ समितियां राज्यसभा की हैं और सोलह समितियां जो हैं वो लोकसभा की हैं ये एक इंपॉर्टेंट है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि लोकसभा की कितनी स्थायी समितियां और राज्यसभा की कितनी स्थायी समितियां इतना ही था स्थायी समितियों को लेकर के अब जो चैप्टर नंबर सेवेंटी फोर पेंडिंग रह गया था उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्यादा चीजें नहीं थी काम काम की इतनी ही चीजें थी जो आपको जाननी थी जो मैंने आपको समझाया अगर इसका बहुत डिटेल्ड एनालिसिस आपको चाहिए बहुत विस्तार से आपको जानना है तो आप यूट्यूब पर मैंने ये संसद वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर दोनों कराए हैं एक पैंतीस घंटे की मैराथन क्लास मिलेगी उसको जाकर के देख लेना उसमें मैंने लाइन बाई लाइन एम लक्ष्मीकांत कराया बहुत डिटेल से पूरी कमेटी का जो चैप्टर है संसदीय समितियों का चैप्टर इसको लगभग साढ़े तीन से चार घंटे का चैप्टर जो है वो अकेला ये चला था अभी केवल एक रिवीजन के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको समझाया है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि एक बेस बन जाए आपका उसके आधार पर अब हम मेन चीजें चलते हैं अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव पर जो हमारे थोड़े से पेंडिंग रह गए थे और उनको लेकर के हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर सेवेंटी थ्री हम देख रहे थे चुनाव सुधार और चुनाव सुधारों में हम उन्नीस सौ तक के चुनाव सुधार जो है वो कर चुके थे अब उससे आगे के चुनाव सुधार जो है वो हमें करना है ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले जरा एक बार जोश बताएंगे आप सभी लोग कैसा है जोस हाउस द जोस हाउस द जोस एक आंसर आना चाहिए हाई सर का हाई सर देखिए हाई जोस बनाए रखना बहुत जरूरी है हाई जोस के साथ चलते रहना है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड ग्रेट चलिए देखिए हम चुनाव सुधार के बारे में बात कर रहे थे तो आपको पता है कि पहले जो मतदाता मतदान आप जब वोट डालने जाते हैं अभी आपको एक वोटर कार्ड मिलता है उस वोटर कार्ड में आपका आपकी फोटो आपका चेहरा जो है वो लगा रहता है, है ना पहले क्या होता था इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी फर्जी मतदाता जो है ना वो बहुत ज्यादा होते थे आपके नाम से वोटर लिस्ट बनती थी तो आपके नाम से ही वोटर लिस्ट बनी है फोटो नहीं है तो ऐसे में किसी को भी आपके बारे में पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाता था खास करके चुनाव केंद्रों के ऊपर कि भाई कोई व्यक्ति जो ये है वास्तविकता में यही वोट डालने हैं कि इसकी जगह पर कोई और वोट डालने आ गया तो फर्जी वोटिंग बहुत ज्यादा हो जाती थी इसीलिए चुनावों में फर्जी मतदान और किसी के बदले मत डालने की प्रथा को रोकने के लिए देश भर में मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए वर्ष उन्नीस में, में चुनाव आयोग द्वारा एक निर्णय लिया गया था तो यह उन्नीस के बाद का बदलाव है जब आप मतदान आपके जो मत आ, जिसको हम बोलते हैं ना वोटर कार्ड वोटर आईडी। उस वोटर आईडी मतदाता पहचान पत्र उसमें आपकी फोटो उसके बाद से आने लगी उससे पहले फोटो नहीं होती थी अब जब फोटो नहीं है तो कोई भी किसी की जगह पर भी वोट डालता था परिवार का कोई एक ही व्यक्ति अलग अलग, अलग जगह पर वोट डाल देता था है ना या किसी और को बुला करके बाहरी किसी एरिया के किसी क्षेत्र से किसी लोग को बुला करके उसको किसी की जगह पर वोट डलवा दिया जाता था ये इस तरीके की धानली जो हो जाती थी फिर उसके बाद वोटर कार्ड में लगाई जाने लगी फोटो ठीक है अब हालांकि वोटर कार्ड में जो फोटो लगाई जाती हैं मतदाता सूची जब तैयार की जाती है मतदाता केंद्र पे आप जब मतदाता सूची तैयार करते टाइम आपकी डॉक्यूमेंट्स आपकी डिटेल लेने के साथ साथ आपकी फोटो भी वहां पर लगाते हैं ठीक है जिसकी भी आयु जिसकी भी उम्र अठारह वर्ष से अधिक है वो सब मतदाता सूची में शामिल हो सकता है और मतदान मत वोटर कार्ड जो है वो अपना बनवा सकता है हालांकि ये अलग बात है कि वोटर कार्ड में आप जो फोटो देखते हैं ये वैसी फोटो नहीं होती जैसी आप इंस्टाग्राम फेसबुक या आपकी जो खुद के फोन से लीव हुई होती है जो सेल्फी लेते हैं आप बड़ी गजब से और उसमें भी एडिटिंग कर देते हैं एडिटिंग करके बना देते हैं चेहरे को क्या से क्या सकली चेंज हो जाती है और आजकल के ये जो चाइनीज वाले कई सारे फोन है वो तो इंसान को ही बदल देते हैं मैं तो कई बार उनके फोन देखते हैं पहचान में नहीं आता कि ये मैं ही हूं अब अपनी खुद की फोटो भी लेते तो कई बार ये पहचान में नहीं आता कि सच में हम है क्या नहीं एक तो इतना ज्यादा रंग बदल दिया जाता है चेहरे के आव भाव फीचर्स बदल दिए जाते हैं तो इसीलिए कह कहा जाता है कि अगर आपको कभी भी शादी विवाह करना है ना किसी से या किसी लड़के को या किसी लड़की को पसंद करना है या उनकी वास्तविक शक्ल देखनी है जानने तो उनका आधार कार्ड कार्ड या वोटर कार्ड की जो फोटो है उसको जरूर देखना क्योंकि आधार कार्ड और वोटर कार्ड में आपका चेहरा जो है ना बिल्कुल क्लियर जैसा है असली वैसा ही आएगा उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं होती है ठीक है वो कैमरा बिल्कुल शकल के सामने रख करके कर दिया जाता है और उस आधार कार्ड की फोटो या वोटर कार्ड की फोटो देखने के बाद अगर कोई आपको पह, पसंद कर ले पहचान कर ले तो फिर समझना कि हाँ भाई यही है जो हमारे साथ टिकेगा यही है जो हमसे प्यार से मोहब्बत से रह पाएगा जो हमें एज ए ह्यूमन पसंद करेगा ठीक है <laughs> चलिए तो इस तरीके से यहां पर हुआ अब अगले पर चलते हैं उन्नीस के बाद क्या सुधार होते हैं उसको भी देख लेते हैं इलेक्शन के अंदर देखो तो वीपी सिंह की सरकार जो थी उन्होंने दिनेश गोस्वामी के अध्यक्षता में चुनाव सुधार की कुछ सिफारिश एक समिति बनाई अब उन्होंने अपनी सिफारिश जो है ना उसी टाइम दे दिया था उन्नीस में ही लेकिन दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों को उस टाइम सभी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया उन्नीस में इसकी बहुत सारी सिफारिशें थी उनको लागू किया गया कौन कौन सी सिफारिशें थी इसको ध्यान से समझिए सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं कि उम्मीदवारों की तीन कैटेगरी बनाने के लिए कहा गया उससे पहले उम्मीदवार लड़ते कोई कैटेगरी नहीं बनाई जाती थी इन्होंने कहा कि जितने भी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं ना उनको हमें तीन वर्गो में बांटना चाहिए सबसे पहला जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार हैं गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार हैं और निर्दलीय उम्मीदवार हैं यानी कि ऐसे लोग जो किसी मान्यता प्राप्त पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे जैसे कि कांग्रेस बीजेपी आम आदमी ठीक है इस तरीके की पार्टियां होगी कुछ ऐसी पार्टियां जो पंजीकृत तो हैं रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन ना तो उनको राष्ट्रीय स्तर की दल की मान्यता प्राप्त है ना ही राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त है ऐसी पार्टियों के उम्मीदवार और तीसरा जो किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे जो खुद इंडिपेंडेंट होकर के इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ये तीन कैटेगरी बनाने की बात की गई इससे आसान हो जाता था वोटर्स के लिए भी ये पहचान पाना कि हां भाई ये व्यक्ति किस पार्ट किसी पार्टी से संबंधित है कोई व्यक्ति बिल्कुल निर्दलीय है कौन किससे जुड़ा हुआ है तो उनको वोट देना अपनी विचारधारा किसी पार्टी के साथ अगर किसी व्यक्ति की जुड़ी हुई तो वो समझना जो है आसान हो जाता था अब इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज किया कि राष्ट्रीय गौरव का अनादर कर, अनादर करने पर अयोग्य घोषित करने का कानून बनाया गया देखिए राष्ट्रीय गौरव अपराध निरोध अधिनियम उन्नीस है ठीक है अब इसके लिए सरकार की द्वारा कई बार कोशिश की जा रही थी कि भारत में इलेक्शन वही लोग लड़े जो भारत का सम्मान करते हो जिसका भारत के संविधान में जिसकी निष्ठा नहीं है जो भारत के गरिमापूर्ण चीजों का सम्मान नहीं कर सकता ऐसा व्यक्ति अगर इलेक्शन लड़ रहा है या जीत रहा है तो सत्ता में जाने के बाद वो भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होगा एक तरीके से हो सकता है तो वो एक तरीका था कि ऐसे लोगों को राजनीति में बढ़ावा देने का जो भारत प्रेमी हो जिनका देश के प्रति सम्मान हो देश के प्रतीक है राष्ट्रीय गौरव है उनके प्रति उनका झुकाव हो ताकि वो कम से कम बाद में काम करें तो देश के खिलाफ जाकर के तो काम ना करें, देश के लिए काम करें। इसके तहत क्या किया गया कोई भी व्यक्ति जिसको छह साल किस जिस जिसको भी सजा प्राप्त हुई है इस अधिनियम के तहत वो छह साल तक ना तो लोकसभा का चुनाव लड़ पाएगा ना राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएगा दोनों ही चुनाव जो है वो नहीं लड़ पाएगा इसके लिए का मतलब यह है कि आपको अपने देश के प्रति सम्मान करना आना चाहिए देश के गौरव जो है प्रतीक चिन्ह है उनका सम्मान करना आना चाहिए अगर आप सम्मान करोगे तो ही आप इस तरीके के से आगे बढ़ पाओगे अब राष्ट्रीय गौरव के अनादर में क्या क्या चीज आ जाती है एक तो यह हो गया कि राष्ट्रीय झंडे का अनादर करना जैसे बहुत सारे लोग हैं ना आप देखोगे झंडे को फाड़ देते हैं पैरों के नीचे कुचल देते हैं आग लगा देते हैं भाषणबाजी करते हैं बयानबाजी करते हैं कि हम नहीं मानते हम ये करेंगे और फिर वही लोग इलेक्शन भी लड़ते हैं किसी पार्टी से लड़ने लग आ जाते हैं खास करके भारत में जो अलगाववादी किस्म के लोग हैं सेपरेटिस्ट लोग जो हैं वो क्या करते हैं आप देखोगे तो वो कहेंगे कि एक तरफ तो वो भारत के प्रतीक चिन्ह सम्मान चिन्ह इन सब का गौरवों का अपमान करेंगे कोई संविधान जला देता है ठीक है कोई झंडा जला देता है उसको फाड़ करके उसकी फिर फोटो वीडियो वायरल करता है कि ये देखो मैं नहीं मानता दूसरी तरफ वही व्यक्ति फिर भारत में इलेक्शन भी लड़ रहा है अपनी पार्टी की तरफ से चाहे वो किसको ही भी पार्टी हो, हो सकता है अलगाववादी टाइप की पार्टी हो ठीक तो ऐसे किसी भी किस्म के व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति जो इस अलगाववादी भावना से प्रेरित है ऐसे किसी भी व्यक्तियों को चुनाव से लड़ने से रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यह अधिनियम काम करता है ठीक है तो एक आप राष्ट्रीय झंडे का अपमान या हो संविधान का आपने अनादर करने का अपराध किया हो राष्ट्रगान गाने से रोकने का अपराध आपने किया हो ठीक है कई बार आप देखना बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि कई स्कूलों में या सार्वजनिक सभा में राष्ट्रगान गाया जा रहा है और वहां पर एक ग्रुप आ जाता है वो आ जाता है कि बोलता है कि हम ये राष्ट्रगान नहीं गाने देंगे परेशान करते हैं कि क्यों गा रहे हो है ना तो इस तरीके के कुछ ऐसे देश जो ऐसे अराजक तत्व जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं ऐसे लोग इलेक्शन में ना आ पाए उनको रोकने के लिए एक प्रावधान जो है ये कर दिया गया, एक अच्छा प्रावधान था अब इसके साथ साथ चुनावों के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या थी कि भारत में आप हमेशा देखना आज भी देखना आज भी आप जब रियलाइज करोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आते हैं भारत में शराब की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अब इसका कनेक्शन क्या है शराब की बिक्री पर और इलेक्शन का आप तो कहोगे सर ये तो हमेशा चलने वाली चीज है लोग तो हमेशा लगे रहते हैं शराब में दारू में तो जब मन आता खरीदते हैं ठेकों पर लाइनें हमेशा लगी रहती हैं लेकिन ये रियलिटी है कि जैसे ही इलेक्शन आता है इलेक्शन के आसपास समय आने लगता है उस समय के आसपास भारत में शराब की खरीदी और बिक्री बहुत तीव्रता से बढ़ती है डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है खपत बहुत तेज गति से बढ़ती है तो वो कहा जाता है उसका रीजन ये होता है कि उस टाइम बहुत सारी पार्टियां बहुत सारे उम्मीदवार अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए उनको अपने पक्ष में करने के लिए इन खंभों का सहारा लेते हैं इस तरीके के उपायों का सहारा लेते हैं और बहुत सारे उदाहरण बहुत सारी रिपोर्ट और बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं जिसमें उम्मीदवार और पार्टियां शराब बांटते हुए जो है पकड़े गए हैं ठीक है कि भाई उन्होंने जाकर के अलग अलग क्षेत्रों में शराब बांटी और यह वास्तविकता भी है रियलिटी भी आप सबको ही पता है इलेक्शन के टाइम जैसे गांव का पंचायत का इलेक्शन देख लो आप पंचायत का इलेक्शन होगा तो उस पंचायत के इलेक्शन में जो कैंडिडेट होते हैं वो खुद घर घर जाकर के बोतल पकड़ा करके आते हैं आप नहीं भी पीते होगे तो भी जबरदस्ती लो ना अरे लो जी आपके लिए लाए हैं तो भी आपको ले जाकर के देते हैं तो वो एक तरीके से अनैतिक साधन हो गया ठीक है लोगों को बहलाना फुसलाना ठीक है उनको गलत तरीके से मैनिपुलेट करना इन कारणों में आ गया बाकी आपकी हेल्थ के ऊपर नुकसान है वो तो एक बहुत बड़ी समस्या है ही ठीक है तो शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का एक सुधार किया गया किस तरीके से हुआ इसको बड़े ध्यान से समझना जब इलेक्शन होता है इलेक्शन खत्म जब तक नहीं हो जाता खत्म होने के 48 घंटे ध्यान रखना मतदान खत्म होने की अवधि के 48 घंटे पहले तक मतदान केंद्र के इलाके में किसी दुकान खाने की जगह होटल या किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थल में किसी तरीके के शराब या नशीले पेय को नहीं बेचा जा सकता या बांटा जा सकता ये रूल है आप में से मैक्सिमम लोगों को इस चीज के बारे में अभी तक नहीं पता होगा लेकिन आज से आप जान गए होंगे जहां पर भी इलेक्शन हो रहा है उस इलेक्शन के इलाका जो पूरा इलाका है वो पूरा क्षेत्र है उसमें आप कहीं पर भी शराब ना तो बेच सकते हो ना ही खा सकते हो ना ही पी सकते हो मतलब खाना नहीं मतलब पी ना ही पी सकते हो ठीक है ना ही बांट सकते हो लेकिन आप लोग इससे वाकिफ इसलिए नहीं है क्योंकि आपने इसका उल्लंघन सरेआम होते हुए देखा है कि भाई हमने तो इलेक्शन के टाइम ही सबसे ज्यादा शराब बढ़ते हुए देखी है लाइन लगा करके शराब बढ़ते हुए देखी है अब आप कहोगे सर ये सुधार कैसे हुआ तो इन्होंने देखो इसमें जुर्माना लगाने की प्रावधान की इसमें कहा कि भैया कोई भी ऐसा उल्लंघन करेगा ना तो छह माह की कैद या दो हजार रुपए का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा अब बताओ छह महीने की कैद दो हजार रुपए का जुर्माना क्या होता है भाई दारू की 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 बोतल बोतल ही आ जाती है तो एक बोतल बात कर रहा हूं बहुत सारी नहीं जब पूरे इलाके में अगर नॉर्मल ठीक ठाक हजार हजार पांच सौ पांच सौ की बोतलें अगर वो बेचेंगे वो लोगों को बांटेंगे तो उसमें कितने करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं ऐसे में दो हजार रुपए के जुर्माने के लिए कौन डरेगा आप समझ रहे हैं सजा तो है लेकिन उस कठोर नहीं है इतनी कठोर नहीं है और उम्मीदवार लोग बड़े ही समझदार हो जाते हैं चालू हो जाते हैं क्या करते हैं वो खुद जाकर के नहीं पकड़ाएंगे ग्राम पंचायत के इलेक्शन में तो आप देखोगे कि खुद उम्मीदवार भी आपको बांटता हुआ मिल जाएगा लेकिन जब लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन होंगे उस समय के में उम्मीदवारों के कुछ गुर्गे होते हैं उनके कुछ खासम खास साहित्य होते हैं जो उनके अंधभक्त होते हैं उन्होंने कह दिया तो बस है ना जैसे सलमान खान की एक फिल्म थी उसमें जैकी होता है सलमान खान होता है सलमान खान जैकी उसका जीजा होता है और जो उसको बोलता वो ही करता है। खान उसमें तरीके के उम्मीदवारों के कुछ अंधभक्त होते हैं तो वो इनको कहेंगे कि जा बेटा शराब बांट कर गया बांट कर गएंगे छह महीने जेल भी होगी तो भी खुश हो गए अरे अपने नेताजी के लिए जेल में गए नेताजी का खास है खास चमचे तो इसलिए इस तरीके के कानून जो है ना वो ज्यादा कामयाब भारत में नहीं हो पाते क्योंकि कोई सख्त सजा नहीं है इसके लिए कोई प्रॉपर बहुत मजबूत खतरनाक किस्म की सजा करने की आवश्यकता है जुर्माना थोड़ा ज्यादा बढ़ाने की सजा ज्यादा बढ़ाने की और अगर जांच करी जाए जांच करने के बाद ये साबित हो जाए कि, कि किसी उम्मीदवार ने या किसी राजनीतिक दल ने इस तरीके से शराब का वितरण कराया है तो उनका इलेक्शन के दौरान उनकी कैंडिडेटचर जो है उनकी जो प्रतिनिधित्व है उनका जो कैंडिडेट खड़ा है उसको खारिज कर दिया जाए उस जगह से ऐसे कुछ प्रावधान करोगे ना तब जाकर के ये चीजें सुधरेंगी नहीं तो इससे पहले इस तरीके की सुधार जो है वो देखने को नहीं मिलेंगी ठीक है अब आगे चलते हैं प्रस्तावकों की संख्या अगर हम बात करते हैं जो आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं लोकसभा का या विधानसभा का ठीक है तो आपको नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कुछ मतदाताओं के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं ताकि आप उनको यह साबित कर सको कि ये लोग चाहते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं ही नहीं आ गया हूं क्योंकि आमतौर पर नामांकन पत्र दायर करते टाइम बहुत सारे लोग जो हैं वो केवल बस ऐसे भीड़ भड़का बढ़ाने के लिए आ जाते हैं कि चलो अच्छा नामांकन पत्र दायर कर रहे हैं चलो नामांकन पत्र भराते हैं चलो खड़े हो एक बार इलेक्शन में ये तो भरे खड़े होंगे लड़ेंगे इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे या लड़ेंगे भी तो सीरियसली काम करेंगे कि नहीं करेंगे वो बाद में देखेंगे जैसे एग्जाम वाला हाल है जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम देखोगे फॉर्म भरने वाले तो आठ से दस लाख हैं लेकिन एग्जाम देने वाले सीरियस कैंडिडेट केवल पांच लाख के करीब वो जो तीन से लाख है वो कौन है वो में है कि चलो फॉर्म तो भर देते देख लेंगे क्या करें कि नहीं करें ठीक है तो ऐसी भीड़ जो है ना ये जो फालतू की व्यर्थ की भीड़ है जो सीरियस नहीं है जो समय बर्बाद कर रहे हैं ऐसे लोग इलेक्शन में खड़े ना हो पाए इसलिए प्रस्तावकों की संख्या में जो है एक संख्या कर दी गई फिक्स कर दी गई कि भाई अगर आप किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार नहीं है निर्दलीय हैं ठीक है थीके? या गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से हैं तो आपको नामांकन पत्र दा, दाखिल करते टाइम अपने क्षेत्र के दस पंजीकृत मतदाताओं के हस्ताक्षर चाहिए कम से कम दस लोग ऐसे हों जो ये कहें कि हाँ भैया ये इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं हम इसके समर्थक हैं हम इसको बता रहे हैं कि इलेक्शन लड़ेंगे हम साइन कर रहे हैं हम प्रस्तावक हैं इसके मान्यता प्राप्त दलों के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होती है सिर्फ एक व्यक्ति की ठीक है यह भी एक अंतर है जो आपको समझना है कई बार स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है प्री में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई यह बताओ मान्यता प्राप्त दल के लिए कितना प्रस्तावकों की आवश्यकता हो होती है या गैर मान्यता प्राप्त दल या निर्दलीय प्रतिनिधि जो इलेक्शन में खड़ा है चुनाव में खड़ा है खड़ा होना चाहता है या नामांकन दायर करना चाहते हैं उसके लिए कितने प्रस्तावक चाहिए एक कुछ ना कुछ सिक्स नंबर डाल करके पूछ लिया जाएगा और आपको बताना होगा तो यह इंपॉर्टेंट है मान्यता प्राप्त वालों के लिए एक प्रस्तावक निर्दलीय और गैर मान्यता प्राप्त उम्मीदवार के लिए और गैर मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवार के लिए दस प्रस्तावक होने जरूरी है व्यर्थ की भीड़ दूर करने के लिए अब एक और मामला है उम्मीदवार की मृत्यु का मामला देखिए भारत के अंदर क्या होता है इलेक्शन के टाइम बहुत ज्यादा रंजिशें निकाली जाती हैं बहुत ज्यादा साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया जाता है जिस तरीके से जैसे जहां जिसका जो बन पड़े कोशिश की जाती है कि, कि किसी को भी हरा दिया जाए हराने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं अब पहले क्या होता था कि इलेक्शन के टाइम कई सारे लोग अपने विरोधी को मार देते थे कोई उम्मीदवार अपने विरोधी उम्मीदवार को मरवा देता था इस चक्कर में कि भैया वो तो मर गया अब इलेक्शन में वो खड़ा ही नहीं होगा तो वोट उसको मिलेंगे नहीं जीतेगा कौन मैं जीतूंगा इसलिए उस टाइम ये प्रावधान था कि अगर इलेक्शन के टाइम चुनाव मतदान शुरू होने से पहले ही अगर कोई कैंडिडेट मर गया किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो गई तो उस क्षेत्र का इलेक्शन जो है रद्द हो जाएगा वहां का चुनाव रद्द हो जाएगा और वहां पर फिर से दोबारा से ठीक है चुनाव प्रक्रिया शुरू होती थी अब इस प्रावधान को जब कर दिया गया तो इंडिया में तो आप देखोगे हर चीज का एक जुगाड़ एक रास्ता निकाल लिया जाता है लूप होल निकाल लिया जाता है पहले कोई उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार को इसलिए मरवा देते थे कि हम जीत जाएंगे वो नहीं रहेगा तो अब क्या करने लगे उम्मीदवार लोग बहुत सारे क्षेत्रों में इस ये मामले निकल करके आए कि कई उम्मीदवारों को जानबूझ करके मरवा दिया गया केवल इस कारण कि वो वहां पर जीतने वाले थे और दूसरा जो उम्मीदवार था वो हारने वाला था तो उसको लगा यार मैं हार रहा हूं वो जीत रहा है तो उसको जीतने से अच्छा है कि एक काम करते हैं हम निर्वाचन ही रद्द रहेगा तो उसके बाद दोबारा कोई और समीकरण बना लेंगे तो मामला रुका नहीं इसलिए क्या किया गया अब ये कहा गया अब इस चुनाव में बदलाव कर दिया गया कि अब भाई मतदान के पूर्व अगर चुनाव लड़ रहा कोई उम्मीदवार है ना उसकी मृत्यु हो गई निर्धन हो गया तो चुनाव जो है वो रद्द नहीं होगा चुनाव जारी रहेगा हा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को इसमें थोड़ा सा फायदा है। है? उम्मीदवार हैं और आपका निधन हो गया किसी भी कारण से निधन हो गया डेथ हो गई तो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार जो पार्टी है ना उसको सात दिनों के अंदर दूसरा उम्मीदवार देने का विकल्प दिया जाता है उनको कहा जाता है कि हाँ आप के लिए हम टाइम दे रहे हैं आप सात दिन के लिए अपना दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर दो तो देखिए आप कई बार पढ़ते दल, हैं दलों को कई सारे विशेष अधिकार मिलते हैं कई सारी स्पेशल पावर्स मिलती हैं जो दूसरों को नहीं मिलते जैसे कि एक तो ये मामला देख लिया ऐसे प्रस्तावक की संख्या ऐसे प्रचारकों की संख्या देखी इनके लिए चुनाव चिन्ह आरक्षित हो जाता है तो बहुत सारे फायदे मिलते हैं मान्यता प्राप्त दलों को तो अब यहां पर अब इलेक्शन होता है किसी की मृत्यु हो जाती है तो चुनाव रद्द नहीं कराया जाता है इलेक्शन जो है होता है ये उस समय का सुधार की बात कर करें अब उपचुनाव की समय सीमा जो है वो निर्धारित की गई बाई लो आपने ओ, बाई इलेक्शन नाम सुना होगा आपने उपचुनाव का नाम सुना होगा मान लेते हैं कि कार्यकाल कितने साल का है अगर हम बात करते हैं कि लोकसभा का आप एक लोकसभा के सांसद बने ठीक है एक व्यक्ति सांसद बना 2020 में साधारण परिस्थितियों में यह 2025 तक लोकसभा का सांसद रहता लेकिन मान लेते हैं कि सांसद की मृत्यु हो गई ठीक है या इसने त्याग पत्र दे दिया रेजिग्नेशन दे दिया कब दे दिया 2022 में दे दिया दो साल के कार्यकाल के बाद ही दे दिया अब इसका तीन साल का कार्यकाल बचा हुआ है ऐसे में उस सीट को भरने के लिए इलेक्शन कराने का प्रावधान है उस इलेक्शन कराने के लिए छह महीने की जो तारीख है छह महीने का जो डेट है ये फिक्स कर दिया गया है कि छह महीने के अंदर अंदर उपचुनाव कराना होगा अगर कोई भी कैंडिडेट कोई सीट खाली हो जाती है किसी भी कारणवश और उसका कार्यकाल छह महीने से ज्यादा बचा हुआ है तो आपको वहां पर इलेक्शन कराना होगा तो ये उपचुनाव की समय सीमा तय कर दी गई ये भी उन्नीस का सुधार है नाइनटीन का सुधार दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों के बाद ठीक है अब एक मतदान के दिन कर्मचारियों के अवकाश की बात की गई अवकाश का नाम सुनते ही आप लोगों के लिए तो बस चेहरे पे खुशी आ जाती है, है ना यार अवकाश छुट्टी वैसे भी बहुत सारे लोग जो है हमारे दोस्त वो इलेक्शन के टाइम को अपने छुट्टी का ही समय मानते हैं आप तो हम सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहे हैं आमतौर पर इलेक्शन के टाइम स्कूल कॉलेज सब चीजों को छोट ऑफ कर दिया जाता है सार्वजनिक अवकाश दे दिया जाता है मजे करते हैं ना आप बहुत सारे लोग जो वोट नहीं डालने जाते वो उस दिन अपनी जिंदगी के सारे ख्वाब पूरे करने की कोशिश करते हैं जिसको घूमना है वो घूमने चला जाता है जिसको पार्टी करनी है वो पार्टी करते हैं जिसको खेलना है वो खेलने चले जाते हैं हम लोग तो बचपन में खुश होते थे यही चीज सोच करके यार छुट्टी मिल गई इसका प्रावधान भी दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों के बाद ही किया गया कि भाई जो कर्मचारी हैं किसी भी व्यवसाय व्यापार उद्योग या अन्य संस्थान में कार्यरत पंजीकृत मतदाता को मतदान के दिन वैतनिक अवकाश मिलेगा अब आप कहोगे सर ये क्यों इसका रीजन ये है कि अगर भाई आपको किसी जगह काम कर रहे हैं मान लीजिए आप एक संस्था में काम कर रहे हैं और आपको छुट्टी नहीं देगी तो आप सुबह नौ बजे से लेकर के रात के इवनिंग के छह बजे तक काम कर रहे हैं अब ऐसे में आप वोट डालने की स्थिति में रहोगे कि आपके अंदर इतनी हालत होगी इतनी एनर्जी होगी कि इतनी लंबी लाइन लग करके उसमें वोट डाल करके आओ मतदान का समय भी तो एक निश्चित समय होता है नहीं हो पाएगा आपका मन भी नहीं करेगा तो ऐसे में भारत में मतदाता मतदान का प्रतिशत बहुत कम होता था खास करके जो कार्मिक होते थे ना कर्मचारी लोग होते थे वो वोट डालने में अनिच्छा जाहिर करते थे नहीं जाते थे तो ऐसे में भारत के लोकतंत्र में अगर आपको वोट डालने का अधिकार है लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई जिससे आप मजबूर हो गए वोट नहीं डालने के लिए यह भी लोकतंत्र का हनन है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए सबके अधिकारों का समुचित वो उपभोग कर सके उसके लिए सत्ता में सब लोग अपनी भागीदारी निभा सके उसके लिए ये प्रावधान किया गया कि भाई जो भी कोई भी व्यक्ति जॉब करता है किसी भी जगह पर और अगर वो वोटर है तो उसके पास यह अधिकार है कि वोट डालने वाले दिन वो छुट्टी लेगा और उस दिन का वेतन नहीं काटा जाएगा पैसा नहीं काटा जाएगा पैसा देना पड़ेगा कंपनियों को तो यह प्रावधान वहां से आकर के स्टार्ट हुआ ठीक है इसके साथ साथ एक और चीज हुई दो या दो दो से अधिक चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया पहले क्या है कि ऐसा मामला देखने में आया कि कोई एक व्यक्ति है वो एक ही बार में तीन तीन चार चार पांच पांच जगह से इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहा था तो ऐसी प्रवृत्ति बड़ी खतरनाक है ऐसी प्रवृत्ति को रोक लगाने के लिए इसी उन्नीस गया छियानवे प्रावधान किया गया कि भाई एक साथ अगर कोई आम चुनाव हो रहा है या उपचुनाव हो रहा है तो कोई भी उम्मीदवार लोकसभा या विधानसभा की दो से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा तो अधिकतम संख्या निर्धारित कर दी गई है कि एक व्यक्ति अगर चाहे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो सीटों पर इलेक्शन लड़ सकता है जैसे आप देखोगे लेकिन दो से ज्यादा पर नहीं लड़ सकते हैं, दो पर लड़ सकते हैं राज्यसभा और विधान परिषद के जो उपवार्षिक चुनाव या उप है, वो उप उन पर भी ये प्रावधान है हथियारों पर रोक की प्रावधान किया गया कि किसी मतदान केंद्र के आसपास किसी तरीके के के हथियार के साथ जाना संग्ये, ये संग्ये ही है संज्ञ अपराध है ऐसा करने पर दो साल की सजा या जुर्माना या दोनों दंड दिया जा सकता है ठीक है इस चीज को समझिएगा इलेक्शन के टाइम बड़ी संभावना होती है कि कोई पार्टी कोई राजनीतिक दल या कोई उम्मीदवार अपना बाहुबल दिखाते हुए अपने क्षेत्र में उस इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश करें और उसको नाजायज तरीके से गलत नैतिक अनैतिक साधनों का प्रयोग करते हुए अपने पक्ष में करने की कोशिश करें वहां पर मतदाताओं को डराए धमकाए डराने धमकाने के लिए क्या चीज चाहिए हथियार चाहिए आपको आप हथियार के माध्यम से तो डराओगे किसी को बंदूक तान दिए और उसको बोलोगे हाँ भाई चलो ये वोट तुम्हें मेरे को ही देना किसी और को नहीं तो, तो आप तो उसी को दोगे दूसरे को तो नहीं दोगे तो ऐसे में गलत तरीके से बूथ कैप्चर ना कर लिया जाए लोगों को मतदान करने से रोका ना रोक ना लिया जाए या उनको डरा धमका करके उनसे वोटिंग ना कराई जाए इन सब चीजों के लिए जरूरी था कि हथियारों पर बैन लगाया जाए पहले बैन नहीं था उन्नीस के सुधार के बाद यह प्रावधान हुआ कि अब कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र के आसपास हथियार के साथ नहीं घूम सकता अगर पकड़ा गया हथियार के साथ तो फिर सजा होगी कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे मामले में ऐसे मामले सामने आए हैं कई सारे उदाहरण ऐसे सामने आए हैं कि एक फलाना फलाना व्यक्ति मतदान केंद्र के पास हथियारों के साथ पकड़ा गया ठीक है अब यहां पर एक अपवाद भी है एक एक्सेप्शन भी है क्या एक्सेप्शन है कुछ लोग यहां पर हथियार लेकर के जा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं और वो कौन लोग हैं जो इलेक्शन में इलेक्शन को संचालित करने में भागीदार निभाते हैं जैसे कि निर्वाचन पदाधिकारी मतदान पदाधिकारी पुलिस अधिकारी या मतदान केंद्र पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए बहाल किसी अन्य व्यक्ति जैसे आप देखते हो सीएपीएफ सीआरपीएफ के जवान या अन्य किसी बल के जवान वहां पर खड़े होते हैं मतदान केंद्र पर हथियार लेकर के कोई बंदूक लेकर के भी खड़ा रहेगा कोई लाठी लेकर के भी खड़ा रहेगा लाठी डंडे लेकर के भी खड़े रहते हैं तो वो इनको इसलिए दिया जाता है ताकि ये ऐसे अराजक तत्वों को भगा सके उनसे मतदान केंद्र की और मतदाताओं की सुरक्षा कर सके जो कि मतदान में विघ्न डालने के लिए व्यवधान डालने के लिए आए हैं यह सुधार भी उन्नीस की सिफारिश के बाद हुआ दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों के बाद उन्नीस के बाद हुआ चुनाव प्रचार की अवधि में भी कमी कर दी गई पहले क्या होता था ना चुनाव प्रचार करने के लिए अगर हम बात करते हैं नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि और मतदान की तिथि के बीच का न्यूनतम अंतराल पहले 20 दिन 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 से घटा करके 14 14 तक कर दिया दिया गया गया तो ये दिन का समय जो है अब दिया गया। पहले ज्यादा समय तक करते थे तो और व्यर्थ का फालतू का खर्चा होता था एक और सुधार हुआ उन्नीस में कि डाक मतपत्र के जरिए वोट डालने की व्यवस्था की गई उन्नीस में कुछ खास तरह के मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र के जरिए वोट देने की व्यवस्था की गई चुनाव आयोग सरकार के साथ सलाह मशविरा कर किसी भी श्रेणी के व्यक्ति को इस सुविधा के लिए अधिसूचित कर सकता है और इस तरह अधिसूचित व्यक्ति अपने चुनाव क्षेत्र में डाक मतपत्र के जरिए वोट डालेगा वह किसी अन्य तरीके से वोट नहीं दे सकता इसका मतलब मान लेते हैं कि आप सेना में हैं अब आप देश की सेवा में हैं अब वोटिंग होती है इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के टाइम मान लीजिए आप व्यक्ति हैं आप नागरिक आप मतदाता है हरियाणा के लेकिन आपकी पोस्टिंग हो रखी है जम्मू कश्मीर में तो ऐसे में आप देश की सुरक्षा छोड़ करके यहां पर नहीं आ सकते हैं लेकिन मतदान देने का अधिकार भी है वोटिंग करने का भी राइट है आप जम्मू कश्मीर के अंदर तो वोट डाल नहीं पाओगे क्योंकि आप मतदाता है हरियाणा के तो अगर हरियाणा में इलेक्शन हो रहा है और आपको वहां पर वोट डालना है तो उसके दो उपाय हो सकते हैं पहला उपाय जो उन्नीस में किया गया कि आप डाक के माध्यम से डाल सकते हैं ठीक है खास करके जो चुनाव करवाने वाले लोग हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए कितने लाखों लोगों की जरूरत पड़ती है जो टीचर हैं या कोई अलग अलग व्यवसाय में लगे हुए हैं जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं अब वो इलेक्शन कंडक्ट कराने वालों की पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं पर भी कर दी जाती है तो ऐसे में वोट डालने का अधिकार तो उनके पास भी है तो वो लोग भी डाक मतपत्र के आधार पर वोट डालते हैं यानी कि अपना वोट लिख करके मतपत्र के आधार पर भेज देते थे डाक के थ्रू और उनकी वोटिंग मान ली जाती थी लेकिन इसका एक और बेहतर विकल्प जो है ना वो आजकल निकल करके सामने आया उसको बोलते हैं प्रोक्सी वोट प्रोक्सी वोट प्रोक्सी वोट ज्यादा एक सुविधाजनक और ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि सही तरीके का व्यवस्था देखने को मिलता है 2003 में सशस्त्र सेना में कार्यरत वोटरों और ऐसे सशस्त्र बल में कार्यरत लोगों को जहां सेना अधिनियम लागू होता है को प्रोक्सी के जरिए वोट देने का विकल्प चुनने की सुविधा दी गई में क्या होता है सिंपल सा है कि मान लीजिए मैं सेना के अंदर हूं और मैं किसी दूसरी जगह पर तैनात हूं मेरी तैनाती है अभी भारत पाकिस्तान सीमा के ऊपर गोलीबारी हो रही मैं वहां पर हूं अब मेरे राज्य में जहां पर मैं हूं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वहां पर इलेक्शन हो रहे हैं मैं वहां पर वोटर हूं मैं वोट डालना चाहता हूं अब मैं देश की सुरक्षा छोड़ करके वोट डालने तो जा नहीं पाऊंगा तो मेरे पास ये अधिकार है कि मैं मेरी जगह पर मेरी फैमिली मेरे परिवार के किसी सदस्य को वोट डालने की परमिशन दे दूं अधिकृत कर दूं ठीक है आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी निर्वाचन आयोग से संदर्भ में आपको बताना पड़ेगा कि देखो भैया मैं इन इन कारणों से वोट नहीं डाल पाऊंगा लेकिन मेरी जगह मेरा भाई मेरी बहन मेरी माता मेरा पिता मेरा बेटा मेरी बेटी जिस भी व्यक्ति को आप अधिकृत करोगे वो व्यक्ति आपकी जगह पर वोट डालेगा तो वो व्यक्ति दो वोट डालेगा एक तो अपना खुद का वोट डालेगा और एक प्रोक्सी वोट डालेगा आपके आधार पर ताकि आपका वोट डाला जा सके इसमें पहचान करना जो है वो आसान है ठीक है ये है आपको निर्वाचन क्षेत्र के जो चुनाव अधिकारी है उसको अपनी जानकारी इसकी पहले देनी पड़ेगी अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको बताता हूं 2003 से पहले अगर हम बात करते हैं तो जो चुनाव लड़ने के लिए जो उम्मीदवार होते थे जो इच्छुक उम्मीदवार थे ये है, ये कई बार यहां पर टाइपिंग एरर हो रखा है यार हाँ है चेहे ठीक है जो इच्छुक उम्मीदवार होते थे उनके लिए अपना नामांकन पत्र दायर करते टाइम पहले अपनी कुछ निजी जानकारियां देने की आवश्यकता अनिवार्य नहीं थी कि भैया आपकी संपत्ति कितनी है आपके ऊपर कोई आपराधिक मामले चले हैं कि नहीं वगैरह वगैरह वो अनिवार्य नहीं था कि आप दो तो ना दो लेकिन 2003 में चुनाव आयोग ने ये आदेश जारी कर दिया स्पष्ट आदेश जारी कर दिया कि जो भी लोग लोकसभा या राज्य संसद या राज्य का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं अपना नामांकन पत्र जब दायर करेंगे नामांकन पत्र दायर करते टाइम अपने साथ उसके साथ कुछ जानकारियां उनको देनी पड़ेंगी सबसे पहले क्या उम्मीदवार को पहले किसी आपराधिक मामले में सजा मिली है या निर्दोष करार दिया गया है या रिहा किया गया है क्या उसे कैद की सजा हुई है या जुर्माना हुआ है इनके बारे में उसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी क्यों इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ताकि निर्वाचन आयोग को और भारत के मतदाताओं को यह पता रहे कि भैया जो व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा है वो व्यक्ति किस किस्म का व्यक्ति है क्या कोई भ्रष्ट व्यक्ति तो नहीं है क्या वो आपराधिक पृष्ठभूमि आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति तो नहीं है ठीक है क्या कोई गंभीर मामलों में लिप्त व्यक्ति तो नहीं है ठीक है इन सब चीजों की जानकारी होना जरूरी है इसके साथ साथ उनको नामांकन दाखिल करने के छह महीने पहले तक क्या उनको किसी मामले में लंबित मामले का अभियुक्त है जिसमें दो साल या इससे अधिक की अवधि की कैद की सजा हो सकती है और इस मामले पर अभियोग दाखिल हो चुका है या कोर्ट द्वारा दु, दु, संज्ञान संज्ञान लिया जा चुका है अगर ऐसा है तो इसका विवरण दाखिल करें यह बताना भी जरूरी क्योंकि जन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम उन्नीस सौ के अंदर एक प्रावधान है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट 1951 उसमें प्रावधान यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको दो साल से अधिक की सजा हो रखी है दो या दो साल से अधिक की सजा हुई है तो ऐसा व्यक्ति संसद के और विधान मंडल के इलेक्शन में के लिए निर्भर हो जाएगा अयोग्य हो जाएगा वो ऐसा व्यक्ति योग्य नहीं रहेगा ठीक है इलेक्शन लड़ने के लिए भी योग्य नहीं है और सदस्य बन गया तो सदस्यता बनने के बाद भी अगर इस तरीके की चीज हुई तो उस सदस्यता के लिए भी योग्य नहीं है तो ऐसी चीज के लिए आपको पहले इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि क्या ऐसा कोई मामला है जिसमें आप ऐसे आरोपी हैं जिसमें आप पर दो साल से ज्यादा की सजा हो सकती है वो बताना पड़ेगा एडवांस में बताना पड़ेगा ताकि मतदाता लोग निर्धारित कर सके उस चीज का निर्धारण कर सके कि भैया हमें इस व्यक्ति को वोट देना है कि नहीं कहीं इसको सजा होगी तो हमारा वोट वेस्ट तो नहीं जाएगा कहीं ये व्यक्ति नैतिक है कि नहीं है कहीं देश के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा ये जानकारियां उम्मीदवार उसकी पत्नी पति जो भी है आश्रितों की संपत्ति चल अचल बैंक में जमा राशि का विवरण आपको देना पड़ेगा कितनी प्रॉपर्टी है अब आप सर, संपत्ति का क्या लेना देना है प्रॉपर्टी का क्या लेना देना है प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा लेना देना है कैसे लेने देना है इसको समझिएगा इसका रीजन ये है कि इलेक्शन से पहले आप जितनी संपत्ति घोषित करोगे तो उसको माना जाता है कि ये आपकी वैध संपत्ति है आपने लीगल तरीके से अपनी जैसे भी मेहनत करके आपने संपत्ति कमाई है वो है इसके बाद जनता के पास और निर्वाचन आयोग के पास ये तुलना करने का मौका रहता है कि जब इस व्यक्ति ने अपना कार्यकाल समाप्त कर लिया या अपने कार्यकाल के दौरान है उस समय इसकी संपत्ति कितनी है और वो संपत्ति कैसे आई मान लेते हैं कि

खूब लग्जीरियस जिंदगी हो गई अब इतनी काया पलट कैसे हो गई कोई उम्मीदवार है अगर उम्मीदवार को जो सैलरी दी जाती है तनख्वाह दी जाती है उस आधार पर अगर वो पांच साल का निकालेंगे लेंगे तो वो घर भी नहीं बना पाए मुश्किल से घर बन जाएगा मान लेते कि चलो घर बन गया लेकिन इतना ज्यादा पैसा कहां से आ गया सोर्स क्या रहे तो उससे ये पता चल सकता है कि, कि किसने गबन किया किसने कितना खाया कौन किस मामले में भ्रष्टाचार में लिप्त रहा आय से अधिक संपत्ति का मामला जो है वो ऐसे लोगों के ऊपर बन जाता है आमतौर पर लेकिन भारत में विडंबना यही है कि आप देखना कि इलेक्शन लड़ते हैं ना जो लोग इलेक्शन लड़ने के बाद वो सब लोग बहुत मोटे किस्म की पार्टी हो जाते हैं देश के विकास के लिए आया गया सम पैसा वो यूज किसके लिए करते हैं अपने लिए यूज करते हैं खास करके गांव पंचायत के इलेक्शन आप देखना ग्राम पंचायत के इलेक्शन में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज मिलेगी मैं आपको बताता हूं ग्राम पंचायत के इलेक्शन में आप नोटिस करना इस चीज को बड़े ही समझदारी से कोई कैंडिडेट है कोई उम्मीदवार है इलेक्शन लड़ने से पहले देखना कि वो एक गांव का साधारण सा व्यक्ति रहेगा जैसे गांव के बाकी लोगों के घर में वैसे रहेंगे लेकिन जैसे जैसे मान लेते वो पंचायत सरपंच बन गया कोई व्यक्ति गांव में मुखिया या प्रधान जो आप बोलते हैं सरपंच बन जाने के बाद जब उसका कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है चार पांच साल होने वाली होती है पांचों साल चल रहा होता है तब देखना वो व्यक्ति गांव की सबसे मेन जगह पर या अपने खेतों में सरोड़ के किनारे ऐसी जगह पर एक बहुत भयंकर किस्म की हवेली बनाता है बड़ी सी हवेली करोड़ों रुपए खर्च करके हवेली बनती है ठीक है गांव का विकास हुआ हो ना हो गांव में नाली बनी ना हो लेकिन उस सरपंच की हवेली जरूर बन जाती है तो ये पैसा ये, ये काया पलट हुई कहां से एकदम से कहां से उनको क्या इतना ज्यादा पैसा देती है सरकार बिल्कुल नहीं देती तो ये सारा का सारा पैसा कहीं ना कहीं से गबन किया होगा भ्रष्टाचार किया होगा तो इन आधार पर मामला जो है उनके ऊपर दर्ज किया जा सकता है केस जो है वो चलाया जा सकता है ये जानना जो है वो बहुत जरूरी है ठीक है चलिए ये है इनके ऊपर क्या कर्ज है कितना कर्ज है ठीक है कितना बकाया है इसकी जानकारी देना भी जरूरी है शैक्षणिक योग्यता यह बताना जरूरी है कि भैया आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है शपथ पत्र में कोई गलत जानकारी अगर आपने दी तो वो अब चुनावी अपराध है अगर आपने नामांकन पत्र दायर किया और उसमें आपकी जानकारियां आप मांगी गई अगर ये गलत दी तो ये कानूनी अपराध है इसके लिए आपको छह महीने की कैद और सजा जुर्माना दोनों चीजें हो सकती हैं तो ये एक सुधार था ताकि उम्मीदवारों के बारे में भारत में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आए थोड़ा सा पारदर्शिता जो है वो आए अगली सुधार की बात करते हैं राज्यसभा के चुनाव में जो है बदलाव की क्या हुआ 2003 में राज्यसभा के चुनाव से संबंधित कुछ बदलाव किए गए सबसे पहले तो क्या होता था भारत में पहले यह था कि कोई व्यक्ति अगर मान लेते हैं कि आप मध्य प्रदेश के हैं और यहां पर मध्य प्रदेश में वोटर हैं तो आपको इलेक्शन लड़ना है तो आप केवल और केवल एमपी में ही इलेक्शन लड़ सकते थे मान लेते राज्यसभा की सीट से जाने तो आप एमपी की राज्यसभा सीट से ही वहां पर लड़ सकते थे अब 2003 में ये कर दिया गया ये अर्हता जो थी ना ये योग्यता कि भाई आपको उसी राज्य में ही इलेक्शन लड़ना होगा जिस राज्य के आप नागरिक जिस इलेक्शन जिस राज्य के आप निवासी हैं स्थायी निवासी हैं वो हटा ली गई आवासीय अर्हता जो है ना ये हटा लिया गया ठीक अब देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र का वोटर होना आपको है बस फिर पूरे भारत में कहीं पर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं पहले एमपी का व्यक्ति केवल एमपी में इलेक्शन लड़ सकता था अब एमपी का व्यक्ति अगर वो चाहे तो वो यूपी में भी इलेक्शन लड़ सकता है वो आंध्र प्रदेश में भी इलेक्शन लड़ सकता है वो कहीं पर भी इलेक्शन लड़ सकता है ये एक जो है इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की गई ये इंप्रूवमेंट तो क्या ही कहें एक तरीके से पार्टियों को चांस दे दिया गया कि अपने खासन खास व्यक्तियों को किसी भी क्षेत्र से कहीं से भी सांसद बना करके राज्यसभा में ले आए ठीक है यह एक तरीके का बदलाव जो है वो यहां पर हुआ अब राज्यसभा में पहले जब वोटिंग होती है तो आप सबको एक चीज पता होनी चाहिए कि जैसे लोकसभा के लिए जो वोटिंग होती है आम चुनाव में आप जो वोट डालते हैं वो गुप्त मतदान होता है आपके वोट का किसी को नहीं पता चलता कि आपने किसको दिया राज्यसभा के लिए भी इसी तरीके की वोटिंग होती थी पहले गुप्त मतदान होता था ठीक है राज्यसभा के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं जितने भी विधानसभाएं हैं इनके जो निर्वाचित एमएलए हैं जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं निर्वाचित एमएलए विधायक साहब ये लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है अब ऐसे में जब गुप्त मतदान होता था तो क्रॉस वोटिंग हो जाती थी क्रॉस वोटिंग का मतलब कि एक पार्टी है उसने अपना कैंडिडेट खड़ा किया वो एक पार्टी वो अपने लिए जो है अपनी पार्टी के लिए वोट मांगती है अब हो सकता है उसी पार्टी का कोई व्यक्ति कोई एमएलए वो अपनी पार्टी की बजाय किसी दूसरी पार्टी को वोट देकर के आ जाए यानी कि अपनी पार्टी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए किसी और के लिए वोट डाल दें और इसके कई सारे कारण हो सकते हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है हो सकता है कि वो पार्टी बदल गया हो ठीक है होर्स ट्रेडिंग जैसी चीजें होने लगी हो ऐसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए अब खुला मतदान शुरू कर दिया गया ठीक है 2003 में ध्यान रखना अब जब भी इलेक्शन होता है राज्यसभा का तो राज्यसभा के इलेक्शन में हर पार्टी का अपना एक विप होता है सचेतक उसको बोलते हैं ठीक है तो इलेक्शन के टाइम जो मतदाता पेटी है ना मतदान पेटी है जहां पर उम्मीदवार वोट डाल करके उस पेटी में वोट डालता है वहां पर हर पार्टी का एक व्यक्ति उम्मीद खास कर कई बार ही या कोई भी व्यक्ति वो खड़े होते हैं वहां पर जब एमएलए आएगा वो वोट डाल लेगा तो वोट डालने से पहले उसको अपनी पार्टी के उस व्यक्ति को वो वोट दिखाना पड़ेगा कि देखो मैंने जैसा हमारी पार्टी ने कहा है वैसा ही वोट डाला है किसी और को वोट नहीं डाला तो ये खुला मतदान हो गया तो इससे स्पष्ट तौर पर अब पता चलने लग गया कि कौन पार्टी के साथ है कौन पार्टी के खिलाफ नहीं है खुले मतदान होने के कारण क्रॉस वोटिंग होने की संभावना भी खत्म होगी क्योंकि अगर पार्टी के खिलाफ जाकर के वोट और पार्टी को पता चल गया तो आप तो गए सदस्यता आपकी तो गई आपका काम तमाम हो गया तो इस तरीके के दल बदलू वाली प्रवृत्ति पर रोक लगाने का एक तरीके से प्रावधान हुआ तो क्रॉस वोटिंग जो है ना चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए किया गया चलते हैं एक और चुनाव रिफॉर्म की बात करते हैं तो 2003 में यह प्रावधान किया गया कि चुनाव करते टाइम चुनाव प्रचार करते टाइम अगर कोई नेता है ठीक है या जो वहां पर इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं। तो उनकी जो यात्रा का खर्चा है आने जाने का जो खर्चा है वो चुनाव खर्च में शामिल नहीं किया जाएगा उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल नहीं करने जा, किया जाएगा ठीक है एक ये सुधार हुआ राजनीतिक दलों को चंदा देने की स्वतंत्रता यह सुधार बोले जा रहे हैं कि यह सुधार है लेकिन यह सुधार बेसिकली राजनीतिक पार्टियों के फायदे के लिए है क्योंकि चुनाव खर्च की एक सीमा होती है अब इस तरीके का सीमा हटा ली जाएगी तो राजनीतिक पार्टी अपनी मर्जी से कैसे भी कुछ भी किसी भी तरीके कर सकते हैं अब चंदा लेने की भी स्वतंत्रता दी गई दो में कि राजनीतिक दलों को किसी व्यक्ति या सरकारी कंपनी छोड़कर बाकी किसी कंपनी से कोई भी राशि स्वीकार करने की स्वतंत्रता है और यह भी देखिए कोई व्यक्ति कोई पार्टी या कोई कोई कंपनी कोई संस्था कोई व्यक्ति अगर किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता कोई आप मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है उसको आप चंदा देना चाहते हैं आप चंदा दोगे तो उतने पैसे पर आपको इनकम टैक्स की रिबेट मिल जाएगी आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा सोचिए वैसे आप कितनी भी कोशिश कर लो पैसा बचाने की आपके इनकम के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगा देती है सरकार की आपके पास टैक्स पैसा बचता नहीं है लेकिन यह एक ऐसा ये एक ऐसा मामला है ठीक है तो ये एक चीज हुई आयकर में छूट मिलेगी इसके साथ साथ अगला बदला जो हुआ वो हुआ ईवीएम में ब्रेल लाने का देखिए भारत में लाखों ऐसे लोग हैं जो जिनकी दृष्टि दृष्टि जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है जो आंखों से प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाते आंशिक रूप से अंधे हैं या पूर्ण रूप से अंधे हैं तो ऐसे लोगों को भी वोट देने का अधिकार तो है ठीक है क्योंकि वो शारीरिक अगर हम बात करते हैं शारीरिक विकृति के कारण आपको वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता ठीक है अगर आप इस तरीके किसी भी तरीके की शारीरिक विकृति के शिकार है आमतौर पर आप लोग वोट डाल करके आ सकते हैं लेकिन अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तब आप कैसे वोट डालोगे ये एक समस्या की चीज थी तो ऐसे में एक ब्रेल एक होता है ब्रेल में क्या होता है कि हाथों से आप पहचान सकते हैं आप देखना कि दृष्टि बाधित जितने भी स्टूडेंट हैं वो जब पढ़ाई करते स्टडी करते तो सुनते हैं सुनने के साथ जब वो पढ़ शब्दों को है ना वो हाथ से पहचानते हैं ब्रेल में क्या है थोड़ा थोड़ा दानेदार दानेदार तरीके से उभरे हुए वर्ड्स होते हैं तो उनको हाथों की उससे उनको पहचान हो जाती है कि क्या वर्ड लिखा है क्या शब्द लिखा है इसकी सहायता से वो किताबें लिख सक, पढ़ सकते हैं चीजों को जो टेक्स्ट है उसको पढ़ पाते हैं तो यहां पर भी ब्रेल की प्रावधान किया गया ब्रेल लिपि कि जो दृष्टिहीन मतदाता है उनकी सहाय उनको अगर मतदान करना है तो मतदान के लिए उन्हें ब्रेल लिपिबद्ध ईवीएम शुरू करने की वो किया गया एग्जिट पोल पर प्रतिबंध की बात की गई 2009 में ये क्या गया कि भाई इलेक्शन के टाइम जो एग्जिट पोल आता है एग्जिट पोल का मतलब तो आप समझते होंगे जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तब तो आप देखना कि बड़े-बड़े टीवी चैनल न्यूज चैनल बड़े बड़े अखबार सब उसमें दावा करेंगे कि हम बताएंगे किसकी बनने वाली है सरकार रिजल्ट आने से पहले जानिए कौन बना सकता है सरकार कौन बनेगा आपके क्षेत्र का मंत्री विधायक सांसद किसकी होगी सरकार इस तरीके की चीजें वो आप बताते हैं महाकवरेज लेकर के आते हैं बड़ी बड़ी महाकवरेज 24 घंटे की महाकवरेज 48 घंटे की महाकवरेज फिर दावा करेंगे अगर उनके दावे के अनुसार रिजल्ट हो गया फिर उसके बाद फिर से करेंगे जो हमने कहा वही हुआ हमने पहले ही बता दिया था कि ये व्यक्ति बनेगा यहां का विधायक वो बन गया ऐसी चीजें करने से अगर इलेक्शन के टाइम ये चीजें करते हो जब वोटिंग हो रही है मतदान हो रहा है मतदान के टाइम आप ये जब चीजें कर रहे हो ना तो उस टाइम ऐसा करने से वोट प्रभावित हो सकते हैं लोगों का मत प्रभावित हो सकता है मैन्यूपलेट हो सकते हैं ठीक है मतदान प्रभावित हो सकता है तो ये प्रतिबंध लगा दिया गया कि भैया इलेक्शन शुरू होने के जो पहले चरण का चुनाव है ठीक है उसके शुरू होने से कुछ घंटे पहले तक और अंतिम चरण के इलेक्शन खत्म होने के कुछ घंटे बाद तक आप इस समय के बीच में एग्जिट पोल नहीं दे सकते आप ये दावा नहीं कर सकते कहां से कौन जीते से कौन जीतेगा जीतेगा किधर से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। जब यह समय सीमा समाप्त हो जाएगी उसके बाद अपना एग्जिट पोल दीजिए उससे पहले नहीं दे सकते ठीक है है हालांकि भारत में एग्जिट पोल और ये जो रुझान आमतौर पर अधिकतर लोगों के गलत ही होते हैं सही बहुत कम ही हो पाते हैं ठीक लेकिन जिनका सही हो गया ना वो फिर जीने नहीं देता फिर वो, वो सारे इतना एडवर्टाइज करेगा कि देखो हमने जो बताया वही हुआ हमने जो बताया वो हुआ ठीक है यह रहता है अब ये चीज है इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं आगे इसके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी वोट का अधिकार की बात की गई देखिए 2010 से पहले क्या होता था ना भारत के नागरिक है तो भारत के नागरिक हम विदेश जाने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट है अब मान लेते हैं कि हम विदेश में गए और हमें वहां पर कोई नौकरी मिल गई कुछ दिन के लिए हम वहां पर कुछ बिजनेस कर रहे हैं किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में काम करने हैं सरकार की तरफ से प्रतिनिधि बनकर के विदेश में जाकर के वहां पर कोई एम्बेसडर बनकर के कर रह रहे हैं आईएफएस अधिकारी के तौर पर वहां पर रह रहे हैं तो कोई भी काम आप विदेश में जाकर के रह रहे काम कर रहे हैं आपने विदेशी देश की किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली है नागरिक आप भारत के ही है ऐसे में वो लोगों को आमतौर पर पहले वोटिंग से वंचित कर दिया जाता था या वो वोट नहीं डाल पाते थे उनके लिए कोई प्रावधान नहीं था कि वो वोट कैसे डालें विदेश से आकर के तो वोट नहीं डाल पाएंगे तो इसके लिए एक ये प्रावधान किया गया कि 2010 में विभिन्न कारणों से विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वोट का अधिकार होगा ऐसा भारत का नागरिक जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है वो वोट नहीं डाल पाएगा जिसका मतदाता सूची में नाम है वो वोट डाल पाएगा ठीक है जिसको ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण नहीं की है वो वोट डाल पाएगा ठीक है तो ये सब लोग मतदाता सूची में जिसने नाम दर्ज नहीं कराया है वो नाम दर्ज करा सकते हैं अभी तक नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप अभी भी दर्ज करा सकते हो ये सारे अधिकार जो है वो आपको मिलेंगे मतदाता सूची के में ऑनलाइन नामांकन 2013 में प्रावधान किया गया आप आजकल देखोगे बहुत इजी हो गया आपका वोटर कार्ड बनाना आपका वोटर लिस्ट में नाम लगवाना पहले बड़ा टफ होता था बड़ा कठिन होता था आप

ताकि सभी नागरिक एक आसान प्रक्रिया से वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सके नोटा का प्रयोग किया गया नोटा का विकल्प जो है ना इसलिए प्रारंभ किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को यह आदेश दिया कि अगर मान लेते हैं कि भारत में नागरिक है वो वोट देना चाहता है लेकिन उसको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है इलेक्शन में जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से वो किसी को भी पसंद नहीं करता तो ऐसे में उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता कि वो क्या करे अगर वो वोट डालना चाहता है तो मजबूरी में किसी भी ऐसे उम्मीदवार को वोट डाल करके आना पड़ जाता है जिसको वो कम पसंद करता है दूसरों के मुकाबले है ना दूसरों को बहुत ज्यादा बुरा मानता है इसको कम बुरा मानता है तो डालकर के आना पड़ेगा लेकिन ऐसा क्यों मतदाताओं को ऐसी भी छूट होनी चाहिए कि अगर वो किसी को भी वोट ना डालना चाहे तो डाल अपनी राय स्पष्ट कर दे ताकि सरकार को ताकि पार्टियों को राजनीतिक दलों को मतदाताओं को यह पता चले कि भाई इस क्षेत्र में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ है ना कि किसी व्यक्ति को क्यों वोट नहीं डाला गया नोटा को अधिक वोट क्यों गए इससे स्पष्ट होता है कि लोग उनको वोट नहीं देना चाहते कोई भी कारण हो सकता है हो सकता है कि वो सारे कैंडिडेट उनको योग्य ना लगते हो तो उनकी योग्यता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने क्या किया एक जो ईवीएम मशीन है ईवीएम मशीन के अंदर इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है ऐसे ठीक है यहां पर बटन होते हैं जहां पर आपको दबाना होता है और यहां पर कैंडिडेट की जो उम्मीदवार है उससे रिलेटेड सारी जानकारियां होती हैं उनका नाम उनका चुनाव चिन्ह ये सारी चीजें पार्टी का नाम वगैरह वगैरह वो होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो ईवीएम मशीन का जो आखिरी बटन है जो आखिरी वाला क्षेत्र है इसको नोटा लिखा जाता है नोटा का मतलब नन ऑफ दबाउ कि ऊपर में से जितने भी उम्मीदवार हैं हमें कोई पसंद नहीं है और उसके सामने एक बटन होता है अगर उसको दबा दिया तो वो वोट उधर चला जाएगा ठीक है जी चलिए आगे चलते हैं अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज जो है वो मैं आपको बताता हूं आप में से कोई भी दोस्त जो ऐसा है कोई मेरे को ये बताए कि आप में से इलेक्शन में वोट डाला हो और किसी ने नोटा पर डाला हो क्या हो अगर नोटा में सबसे ज्यादा वोट आ जाए किसी कैंडिडेट से भी ज्यादा आ जाए तो क्या वो इलेक्शन खारिज होगा हाँ या ना आंसर दीजिए बस अगर नोटा में सबसे ज्यादा वोट आ जाए किसी कैंडिडेट से भी ज्यादा वोट नोटा में आ जाए तो क्या वो इलेक्शन खारिज होगा यस और नो क्या वो इलेक्शन खारिज होगा तो ये ध्यान रखना है कि वो इलेक्शन खारिज नहीं होगा ठीक है नोटा में चाहे कितने भी वोट आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्शन पर जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे नोटा के होंगे वो व्यक्ति जीत जाएगा।, जाएगा यहां पर इंडिया में इसी तरीके का सिस्टम है अब कहोगे कि इस नोटा का यूज क्या हुआ तो एक तरीके से एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है एक तरीके से नागरिकों का उन्होंने अपने सारे ही उम्मीदवार हैं उनमें से किसी को पसंद नहीं किया हालांकि लेकिन एक तरीके से मेरे हिसाब से अगर पूछो तो नोटा का यही इतना बेनिफिट है इसके अलावा और कोई इसका फायदा कोई लाभ है नहीं इस चीज का कि भाई इलेक्शन के ऊपर जो प्रभाव नहीं पड़ा तो नोटा डालने का फायदा क्या हुआ है ना तो एक आप बस एक कह सकते कि एक बस कहने भर के लिए यह एक प्रतीकात्मक उपाय है बस और कुछ ज्यादा वो है नहीं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज शुरू हुई जैसे जैसे भारत में ईवीएम मशीनों का प्रयोग बढ़ता चला गया सारे इलेक्शन आज के टाइम में आप देखोगे ईवीएम मशीन से ही कराए जाते स्थानीय शासन की पंचायती राज के इलेक्शन भी आप देखोगे ईवीएम मशीन से ही होते हैं अब जैसे जैसे ईवीएम मशीनों से इलेक्शन बढ़ने लगा तो भारत में ऐसे मामले भी सामने आने लगे जब लोग आरोप लगाने लगे खास करके ऐसे उम्मीदवार जो इलेक्शन हार जाते थे या ऐसी पार्टियां जो इलेक्शन हार जाती थी वो ये आरोप लगाने लगे कि ईवीएम मशीन को हैक कर लिया गया और ईवीएम मशीन में हैक करके सारे के सारे वोट जो हैं दूसरे उम्मीदवार को चले गए या दूसरी पार्टी को चले गए इस तरीके के आरोप भारत में हर पार्टी ने लगाए ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पार्टी ने लगाए जो भी पार्टी सत्ता में नहीं पहुंच पाती इलेक्शन हार जाती है मैक्सिमम वो यही कहती है आप चाहे केंद्र के स्तर पर देख लो चाहे राज्य के स्तर पर देख लो एक पार्टी है जब वो केंद्र में सरकार बनाती है तब वो बोलते हैं कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है है कोई दिक्कत नहीं है, फुल बहुमत मिल गया दूसरी सारी पार्टियां उसके खिलाफ हो जाती हैं कि इन्होंने ईवीएम मशीन हैक कराई है वहीं एक राज्य के अंदर इलेक्शन होता है तो केंद्र वाली पार्टी वहां पर हार जाती है कोई दूसरी पार्टी बहुत बहुमत से जीत जाती है तो केंद्र वाली पार्टी वहां पर आरोप लगाती है कि तो इसको समझिए ईवीएम मशीन की टेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट के बाद इस निर्वाचन आयोग के द्वारा कई बार करवाई जा चुकी है ईवीएम मशीन हैक नहीं होती है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करती है तकनीकी खराबी छोटी मोटी हो सकती है लेकिन इस तरीके से हैक नहीं होती कि आपने बटन एक को दबाया और वोट किसी और को चला गया ऐसा नहीं होता है ठीक है वो सिर्फ राजनीतिक रूप से पार्टियां हैं वो पार्टीबाजी करते हुए काम करती हैं अगर आप देखोगे ना तो इसका समाधान करना फिर जरूरी था कि वोटरों को कैसे यकीन हो कि उन्होंने जिसको वोट डाला है वो वोट उसी को मिला है कि नहीं मिला इसके लिए वीवीपैट शुरू किया गया वीवीपैट में क्या होता है कि जब आप इलेक्शन ईवीएम मशीन के सामने खड़े होकर के जब आप वोट डालते हो ना आप वहां पर बटन दबाते हो बटन दबाने के बाद सामने आपके सामने एक और मशीन लगी रहती है उस मशीन में से एक पर्ची निकलती है जैसे आपने वोट के लिए बटन दबाया सामने की मशीन से एक पर्ची निकलेगी उसमें आपके उम्मीदवार का निशान फोटो वगैरह आपको कुछ चीजें देखने को मिलती है ताकि आपको पहचान हो सके कि आपने जिसके सामने बटन दबाया उसी को ही वोट गिरा कि नहीं गिरा अगर आपने किसी को वोट डाला और पर्ची किसी और के नाम से निकली इसका मतलब वोट गलत डाला तो वो वेरीफाई करने के लिए एक प्रावधान था ताकि मतदाताओं को इस चीज के बारे में पता चलता रह सके कि वोट क्या है ठीक है क्या उन्होंने जो वोट दिया है वो सही है कि नहीं है Clear? तो ये वीवीपैट जो है इसकी प्रारंभ की शुरुआत की गई ठीक है अपने वोट को वेरीफाई करने के लिए ये प्रणाली जो है यहीं पर शुरू की गई 2013 में नागालैंड की जो नोकसेन विधानसभा है ना यहां पर सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया वीवीपैट का 2013 में और यहां से क्वेश्चन कई बार आने की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है ये ध्यान रखना है ये देखिए ये होता है ये होती है ईवीएम मशीन ईवीएम मशीन में आप देखिए नाम चुनाव चिन्ह ये चीजें देखेंगे यहां पर बटन होता है यहां पर बटन आप दबा सकते हो सबसे लास्ट में नोटा रहेगा और ये होती है वीवी पैट मशीन जब आप इलेक्ट बटन दबाओगे सामने इसकी मशीन से यहां से एक पेपर निकलेगा उस पेपर में आपको चुनाव चिन्ह और नाम वगैरह वगैरह चीजें लिखी रहेंगी दिखेंगी अगर सेम है तो इसका मतलब आपका वोट सही है मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है ये चीज देखना है ठीक है जी चले आगे चलते हैं अब एक और मामला हुआ एक और मामला उठा हमारे देश में जेल के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैदी हैं जो बंद हैं जेल क्योंकि जेल में बंद होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपराधी हो गए आम तौर पर कई सारे मामले कई सारे चीजें ऐसी होती है जिसमें आपके ऊपर कोई आरोप लगा दिया जाए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है जब तक कि आपका ट्रायल चलता है केस चलता है मामला चलता है ठीक है लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप दोषी हो गए तो उस तरीके के मामले में आपको जेल में डाल दिया जाता है लेकिन इंडिया में क्या मानसिकता है कि कोई जेल में चला गया तो लोग उसको दोषी ही मान लेते तो हैं उनको लगता है कि यार अच्छा जेल में गया कुछ ना तो किया ही होगा कुछ तो कांड करके आया है ऐसा जरूरी नहीं है तो कई बार क्या होता था बहुत सारे उम्मीदवार अपने उम्मीदवारों को अपने विरोध वाले अपने विपक्षी पार्टी वालों को इस तरीके से जबरदस्ती फंसाने के लिए गलत गलत तरीके के केस आरोप लगवा करके जेल की सजा उनको करवा देते थे ठीक है क्लियर तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो अपने इलेक्शन लड़ने से वंचित हो जाते थे तो यहां पर ये नो ये 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश बनाए रखा पहले पटना हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी बनाए रखा उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो जेल या पुलिस हिरासत में होने की वजह से मतदान का अधिकार नहीं है ये गलत बात है ठीक है वह निर्वाचक नहीं है ये गलत बात है ठीक है इक्यावन के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में उन्होंने कुछ चीजें जुड़वा दी कुछ पॉइंट्स जुड़वा दिए और उन्होंने ये कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में है ठीक है तो उसको निर्वाचक होने से रोका नहीं जा सकता यह ध्यान रखना जेल में जाने से पहले अगर आप कहीं पर मतदाता हैं ठीक है तो आपको ऐसे सिचुएशन में इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता ठीक है दूसरा प्रावधान स्पष्ट करता है कि एक संसद सदस्य अथवा विधानसभा सदस्य तभी अयोग्य माना जाएगा जब वह इस अधिनियम के अंतर्गत अयोग्य हो अधिनियम के अंतर्गत अयोग्य का मतलब कि आपको दो साल की सजा होनी चाहिए ठीक है न्यायपालिका के द्वारा सजा दिया जाना जरूरी है अगर न्यायपालिका ने सजा दी है तभी आप दोषी माने जाओगे नहीं तो नहीं माने जाओगे तब तक आप वोट डाल सकोगे यह एक प्रावधान कर दिया गया आपने कई बार देखा होगा इलेक्शन में कई सारे उम्मीदवार कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो जेल में बंद रह करके भी इलेक्शन जीत जाते हैं कई उम्मीदवारों का नाम सुना होगा कि जेल में बंद थे और जेल में बंद होकर के इलेक्शन लड़ा कई सारी फिल्मों में कई सारी वेब सीरीज में आपने सारी की सारी चीजें देखी होंगी ठीक है चलिए आगे चलते हैं चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई गई दो में केंद्र सरकार ने बड़े राज्यों में लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव खर्च की सीमा सत्तर लाख कर दी पहले चालीस लाख थी ठीक है एक चीज समझिए इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की एक अधिकतम व्यय करने की एक सीमा होती है अगर उससे ज्यादा आप खर्च करते हो तो आपका इलेक्शन रद्द किया जा सकता है चुनाव से सीमा से अधिक खर्च करने पर क्योंकि उसके माना जाता है कि इतना खर्चा करके आप लोगों के वोट को प्रभावित करने के लिए लगे हुए हो है ना उनको खरीदने में लगे हुए हो या गलत तरीके से आपने लोगों को प्रभावित किया है इसलिए एक सीमा लगाई जाती है पहले जो ये चुनाव सीमा चली आ रही थी ये खर्च चुनाव खर्च की जो सीमा थी चली आ रही थी कम थी अब रियलिटी में जब इलेक्शन होता तो उसमें खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता तो पार्टियों की ये बार बार डिमांड थी कि कि यार चुनाव खर्च की सीमा को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाए तो इसको बढ़ाकर के सत्तर लाख कर दिया गया अभी शायद सत्तर अस्सी लाख के आसपास है लोकसभा के लिए अगर इलेक्शन लड़ो लड़ते हो तो इतना ही कुछ है और वास्तविकता में आज भी इससे दस गुना ज्यादा खर्चा होता है दस दस करोड़ बारह बारह करोड़ रुपए भी एक सांसद कई बार इलेक्शन लड़ने के लिए खर्च कर देते हैं लोकसभा के लिए एक एक करोड़ रुपए तो आजकल लोग पंचायत के इलेक्शन में खर्च कर देते हैं ठीक है अब सोचो इस तरीके के लोग इतना पैसा खर्च करके इलेक्शन लड़े हैं इलेक्शन जीतने के बाद वो कहा ही आपके लिए काम करेंगे कहा हमारे लिए काम करेंगे जिस आदि व्यक्ति ने चुनाव लड़ने के लिए पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए एक करोड़ रुपए खर्च कर दिए पचास लाख रुपए खर्च कर दिए तो वो आपके लिए फिर काम नहीं करने वाले फिर वो अपने लिए ही काम करेंगे फिर उनकी कोशिश ये रहेगी कि कैसे वो उस एक करोड़ को सौ करोड़ में बदले तो जो आपके विकास के लिए जो पैसा आएगा आपके डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आएगा फिर वो पैसा फिर आप तक नहीं पहुंचने वाला फिर वो इन्हीं की जेब में जाने वाला इसलिए कहा जाता है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो वोट डालने जाते हैं तो सोच समझ करके वोट डालो बहुत ज्यादा दिखावा करने वाले जहां पर भीड़ लगी हो जो आकर्षित बहुत ज्यादा है उनके चक्कर में मत पड़ो चमकती हुई चीज जो है ना जो आकर्षित करती हुई चीज वो धोखा देने के लिए भी होती है योग्य उम्मीदवार को चुनो अच्छे उम्मीदवार को चुनो ठीक है इन चीजों को ध्यान रखना है अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें ईवीएम एवं मतपत्रों पर उम्मीदवारों की फोटो ईवीएम मशीन के ऊपर अगर बात करते हैं तो 2015 से पहले जो उम्मीदवार थे उनकी फोटो नहीं आते थे लोगों को कंफ्यूज कंफ्यूजन बड़ा हो जाता था क्योंकि एक ही नाम के दो दो तीन तीन उम्मीदवार हो जाते थे कई बार तो ऐसे में क्या किया गया कि यह कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि कोई व्यक्ति इलेक्शन में जो खड़ा है केवल नाम एक जैसे होने के कारण मतदाता लोग कंफ्यूजन में ना जाएं इसके लिए जरूरी है कि उसकी फोटो भी वहां पर लगा दी जाए तो ये फोटो लगाने वाला प्रावधान जो है 2015 में प्रारंभ हुआ चुनाव आयोग के एक आदेश के बाद ठीक है उम्मीदवारों का फोटो उसका नाम और उसकी पार्टी का चुनाव चिन्ह ये तीनों जो है ना एक साथ प्रकाशित रहेंगे ताकि मतदाताओं को किसी तरीके का भ्रम ना हो सके अब कोरपोरेट सं, जो संस्थान है उनके ऊपर पहले पैसे का जो कैप था ये सुधार के अंदर तो नहीं है तो पार्टियों के लिए ये कोई फायदा नहीं है इसको वैसे भी मैं तो कहता हूं इसको स्किप कर दीजिए यहां से सवाल नहीं आएगा ठीक है ये बेसिकली राजनीतिक पार्टियों को और अधिक चंदा देने का एक तरीका था कि भाई पहले ओके okay, कोई कंपनी है उसका लाभ होता था तो उस लाभ का केवल साढ़े सात परसेंट वो चंदा दे सकती थी अब वो चाहे तो सौ के सौ प्रतिशत लाभ का चंदा दे सकती है ये एक प्रावधान जो है बदलाव यहां पर किया गया ठीक और कुछ सुधारों की बात करते हैं तो चुनावी बॉन्ड की शुरुआत की गई 2018 में 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना बड़े ही सरकार के ऊपर बने हुए प्रेशर के बाद लाई गई सरकार के ऊपर ये प्रेशर बनाया गया था लोगों मतदाताओं के द्वारा जागरूक लोगों के द्वारा कि भाई जो चुनाव के अंदर जो चंदा लिया जाता है जो राजनीतिक दल हैं जिनके पास चंदा आता है बहुत मोटा मोटा पैसा आता है उस मोटे मोटे पैसे को उस मोटे मोटे जो वो है ना चंदा जो है उस चंदे को वो क्या करें की क्लास वो है कोई बात नहीं तुम उन्नीस घंटे तक देख लो यार उसके आगे मत देखो उसको उसमें उतना ही चिंता मत करो ठीक है तो उसका सोर्स क्या है कहां से आया कितना पैसे आया इस चीज के बारे में पारदर्शिता होना बहुत जरूरी थी जरूरी था आज भी आप देखोगे ना कि चुनाव कोई राजनीतिक दल है कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास कितना ज्यादा पैसा आया कहां कहां से आया ये चीजें क्लियरली डिटेल से उसको नहीं पता चल पाती हैं ठीक है थीके? तो उसको लेकर के ये प्रावधान किया गया 2017 के बजट में घोषणा की कर की जा चुकी थी 2018 में किया अब इसमें ये किया गया कि भाई आप किसी पार्टी को नगद चंदा मत दो आप एक काम करो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाओ और वहां से बोंड खरीद लो जैसे आप बोंड खरीदते हो ना बोन्ड मतलब एक तरीके का कागज होता है जैसे आप डिमांड ड्राफ्ट बनाते हो ना वैसे ही एक वो कागज होते हैं अलग अलग उनकी राशि होती है उस राशि की बोंड खरीद लो एक बोन्ड जारी करना ठीक है जो बैंक के माध्यम से किया जाएगा भारत के नागरिक किसी ऐसे व्यक्ति जो भारत में है है ना भारत के नागरिकों के द्वारा इस तरीके का आप बोन्ड खरीद सकते हो अब इसमें ध्यान रखना है बैंक के माध्यम से ही अधिकृत बैंक के माध्यम से ही ये बॉन्ड आप जारी करवा सकते हो और खरीद सकते हो एक हजार दस हजार एक लाख दस लाख एक करोड़ तक के बॉन्ड जारी किए जाएंगे इस प्रोसेस को समझाता हूं बड़े ही ध्यान से समझना मान लेते हैं क्या करना है देखो इसमें क्या प्रोसेस होगा इसमें आप एक वोटर हैं ठीक है या आप एक कंपनी है आप चंदा देना चाहते हैं किसी पार्टी को किसी पार्टी को तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा पहले अधिक ये जो चुनावी बॉन्ड बेचने की जो जिम्मेदारी दी गई ये एसबीआई को दी गई आप जाओगे एसबीआई में ठीक है एसबीआई में जाओगे अब आपको वहां पर किसी पार्टी को चंदा देने के लिए बॉन्ड खरीदना है मान लेते हैं कि आपको एक करोड़ का बोंड खरीदना है एक करोड़ रुपए आप एक पार्टी को चंदा देना चाहते हैं तो उस एक करोड़ रुपए का आपको वहां पर बोंड खरीदना पड़ेगा एक डॉक्यूमेंट टाइप का होता है वो खरीदना पड़ेगा ठीक है अब इसका फायदा क्या हुआ इसका फायदा ये हुआ कि ये जो एक करोड़ रुपए का आपने बॉन्ड खरीदा यह आप अपने अकाउंट से पेमेंट करके खरीदोगे तो आप कोई अवैध धन लगा करके ये नहीं खरीद सकते आपके अकाउंट के बारे में आपके खर्चे के बारे में सरकार को पता है कि भैया हाँ आपने अकाउंट से पैसा खरीदा तो ये वैध है कोई मनी लॉन्ड्रिंग करके आया हुआ पैसा नहीं है या काला धन जो है वो चुनाव में प्रयोग नहीं हुआ तो पहले तो ये मनी जो है ये व्हाइट मनी हो गई आपका सोर्स आप पता चल गया अब आपने ये बॉन्ड खरीद लिया अब ये बॉन्ड आप जाकर के किसी भी पार्टी को दे सकते हैं जिस भी पार्टी को आप ए, चंदा देना चाहते दे सकते हैं अब ये पार्टी क्या करेगी ये पार्टी ये बॉन्ड आ गया तो ये पार्टी बैंक में जाएगी ठीक है बैंक के पास जाएगी उस बैंक में फिर ये क्या करेगी जमा करेगी जमा करके वो पैसा जो है वो पार्टी के, पार्टी के के खाते में चला जाएगा ठीक इससे क्या हुआ इससे सरकार को ये पता रहा कि किस पार्टी को इस बॉन्ड के जरिए इस चुनावी बॉन्ड के जरिए पैसा आया ठीक है और किसके पास वो गया और कितना कितना गया यह आपको पता रहेगा ठीक है तो एक एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में पता चल जाता है क्लियर चलिए तो यह एक बेनिफिट था इसका हालांकि यह इतनी सक्सेसफुल हो नहीं पाई और 2018 में विदेशी स्रोतों से भी चंदा प्राप्त करने की विदेशी कंपनियों से भी चंदा प्राप्त करने की अनुमति जो है राजनीतिक दलों को दे दी गई है बेसिकली क्या है ना कि राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए पैसा कमाने के लिए बड़े सारे साधन हैं उनको किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन किसी तरीके की रोक टोक जो है वो देखोगे तो नहीं मिलेगा ये एक तरीके से इनको आप बोल रहे हैं कि चुनाव सुधार है लेकिन मैं अगर आपको ईमानदारी से बताऊं तो ये चुनाव सुधारों की बजाय कई सारे मामले तो ऐसे हैं जो राजनीतिक दलों के लिए उनके फायदे के लिए बनाए गए हैं यहाँ भैया राजनीतिक दल हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज को तो कितना भी कहीं से भी पैसा ले लो, लो कोई दिक्कत नहीं आप लोग जरा एक बार कहीं से दाएं बाएं से थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके देखो आप कहीं से भी अकाउंट में इधर उधर से पैसा आए तो आपको पता चलेगा कि सरकार उसके ऊपर इतनी नजर रखी हुई है एक एक चीज का स्रोत एक एक चीज का सोर्स वो आपसे पूछ लेंगे ठीक तो ये चुनाव सुधार वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया अब आते हैं अगले चैप्टर पर अगला चैप्टर है हमारा मतदान व्यवहार

कॉपी पेस्ट मत करो ब्लॉक कर दिए जाओगे सब लोग किसी का प्रचार मत करो ब्लॉक कर दिए जाओगे ठीक है आंसर देंगे कोई क्या सोच करके आप लोग वोट डालने जाते हो कुछ सोचते तो होंगे ना वोट डालने के लिए अच्छा काफी लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया आज तक देखिए भारत के अंदर वोटिंग वोट डालने के लिए वोटिंग जो पैटर्न है जो बिहेवियर है व्यवहार है वो कुछ कारकों से निर्धारित होता है बहुत कम ऐसे लोग होंगे बहुत रेयर ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वोट डालते टाइम अपने दिमाग लगा करके किसी योग्य कैंडिडेट को वोट दिया होगा ये सोचकर कि यार वो कैंडिडेट बहुत अच्छा काम करेगा बेहतर काम करेगा देश के विकास के लिए काम करेगा है ना बहुत ही कम लोग होंगे ज्यादातर लोग क्या करते हैं वोट डालते टाइम ज्यादातर लोग सबसे पहली चीज जो देखते हैं वो है जाति कि भैया आप किस जाति से हैं किस कास्ट से हैं। तो भारत के अंदर वोटिंग को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख फैक्टर जो है वो कास्ट है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं आप किसी जगह पर आप देखना इलेक्शन होते हैं तो कोई भी पार्टी होती है ना वो पार्टी वो ये देखती है कि यार इस निर्वाचन क्षेत्र में कौन सी जातियां ज्यादा है मान लेते हैं कि एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र के अंदर जोशी लोग जो हैं या पांडे लोग जो हैं वो ज्यादा है ठीक है बाकी जातियां भी रहती है लेकिन ये जाति सबसे अधिक है तो सभी पार्टियां जितनी भी इलेक्शन लड़ने वाली पार्टियां हैं वो अपने सारे कैंडिडेट जो खड़ा करेंगे वो कैंडिडेट पांडे होगा या जोशी होगा कोई दूसरी कास्ट का कैंडिडेट नहीं होगा अगर मान लेते हैं कोई एक, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर यादव लोग बहुत ज्यादा है मतदाता वोटर तो सारी पार्टियां अपने कैंडिडेट जो बनाएंगे वो यादव को बनाएंगे किसी दूसरी कास्ट को नहीं बनाएंगे उसका रीजन क्या है क्योंकि उनको पता है कि लोग जो आज के टाइम में वोट देखते हैं ना तो वो जाति के आधार पर वोट देते हैं इवन वो वोट मांगने भी जाते हैं तो वोट मांगते टाइम भी जाति को रखते हैं कि यार तू तो मेरी कास्ट का मैं तो तेरी कास्ट का हूं तू अपना वोट तो मेरे को ही दे किसी दूसरे को क्यों वोट दे रहे हैं ना इस तरीके के प्रावधान होता है तो एक जाति सबसे बड़ा कारक है फैक्टर है इलेक्शन में वोटिंग का प्रभाव मतदान प्रभाव जो है वो दूसरा जो फैक्टर है वो है धर्म दूसरा जो व्यवहार होता है वो है धर्म के आधार पर लोग धर्म के आधार पर भी वोट करते हैं कि यार ये फलाना धर्म का है ये मेरे धर्म का है मैं अपने धर्म को वोट डालूंगा और दूसरा दूसरे धर्म को वोट डालेगा और इसके बारे में आप देखना कि जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के टाइम जितने भी अलग अलग धर्म हैं सभी धर्म के जो प्रमुख लोग हैं धर्मगुरु किस्म के लोग हैं वो सब लोग अपने अपने धर्म के लोगों से अपील करते हैं कि देखो हमारी धर्म की रक्षा करने वाली पार्टी ये है आप इस पार्टी को वोट दीजिए है ना फतवे भी जारी किए जाते हैं कि भैया जितने भी हमारे समुदाय के लोग हैं केवल इस पार्टी को वोट देंगे अलग घोषणा जारी की जाती है कि हम इस पार्टी हमारा धर्म की रक्षा इस पार्टी ने की है तो इसको दीजिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों में आप देखोगे तो उनके जो धर्मगुरु हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारे धर्मगुरु सभी नहीं लेकिन बहुत सारे धर्मगुरु से सामने टीवी के ऊपर ऑनलाइन आकर के इस तरीके की बातें करते हुए देखने को मिल जाएंगे और भारत में ये प्रभावित भी करता है बहुत ज्यादा धर्म के आधार पर वोटिंग होती है लोग कास्ट देखते हैं फिर धर्म देखते हैं ठीक है चलो अपनी कास्ट का नहीं है तो क्या है अपने धर्म का तो है अपने धर्म वाले को दे देते हैं कम से कम दूसरे धर्म का तो नहीं है नहीं दे ये बहुत बड़ी समस्या है और राजनीतिक दल इसी तरीके से प्रचार करते हैं ध्रुवीकरण करते हैं ना तो इसी तरीके से वो चीजें करते हैं इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो तीसरा कारक होता है भाषा लैंग्वेज के बेसिस पर जैसे कई सारे क्षेत्र हैं खास करके हम बात करते हैं आजादी के बाद आजादी के बाद से ही भारत में लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाने की बहुत ज्यादा डिमांड उठी उस डिमांड को सोचने के लिए समझने के लिए दो आयोग बनाए गए धर आयोग और जेवीपी आयोग उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से मना कर दिया ऐसे में उन्नीस में एक आयोग बनाया गया फजल अली आयोग जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की रिकमेंडेशन दे दी थी और 1956 के बाद से भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होने लगा तो ऐसे में ऐसे क्षेत्रों में जहां पर एक डोमिनेंट भाषा है एक किसी विशेष भाषा वाले लोग रहते हैं तो वहां पर ऐसी ऐसी पार्टियों का उदय हो गया है जो भाषा के आधार पर अपने वोट डिमांड करते हैं ठीक है स्थानीय क्षेत्र के आधार पर भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर वो कहेंगे कि देखो भाई आप इस क्षेत्र के हो फलाना क्षेत्र के हो और फलाना भाषा बोलते हो ठीक है तो आपको यह वोट जो है हमारी अपनी पार्टी को देना चाहिए क्योंकि आपकी ही पार्टी जो है आपकी भाषा और क्षेत्र की पार्टी वही आपका दुख दर्द समझेगी वही आपके लिए विकास का कार्य कर सकेगी दूसरी पार्टियां नहीं करेंगी तो भाषा के आधार पर क्षेत्र के आधार पर भी लोग जो है वो वोट डालते हैं इस चीज को समझना ठीक है क्लियर मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों तक साफ आ रही है साउंड क्लियर है ठीक है चलिए चलिए बहुत बढ़िया तो भाषा के आधार पर वोटिंग होती है इसके साथ साथ अगर हम बात करें क्षेत्र के आधार पर भी होती है ठीक है क्षेत्र के आधार पर मैंने आपको बता दिया पांचवी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना जो वोटिंग को प्रभावित करती है वो है व्यक्तित्व किसी इंसान का बहुत ज्यादा प्रभाव हो जाना ठीक है अब व्यक्तित्व किस तरीके से प्रभावित करता है जैसे कि आप देखेंगे कि आज के टाइम में जितने भी इलेक्शन होते हैं वो किसी एक नेता के नाम पर लड़े जाते हैं पार्टी के नाम पर या उसके जो प्रतिनिधि हैं उनके नाम पर वोटिंग नहीं करते लोग जैसे कि आप देखोगे पहले इंदिरा गांधी जब भारत में सत्ता में थे तो लोग कांग्रेस को वोट नहीं डालते थे लोग इंदिरा गांधी के नाम से वोट डालते थे इलेक्शन का स्लोगन भी यही होता था है ना कि इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ तो उनका व्यक्तित्व तो इतना स्ट्रांग था कि उस एक सिंगल पर्सनैलिटी के ऊपर पूरा देश वोटिंग करता था ऐसे ही आप देखोगे कि वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी के नाम से जो है वोट डाले गए किसी ने पार्टी के लिए नहीं बल्कि एक व्यक्तित्व जो उस पार्टी का चेहरा थे उनके लिए वोट डाला है ना मोदी लाओ लाओ अच्छे दिन लाओ। इस तरीके से स्लोगन चलते थे बहुत सारे अलग अलग आप देखोगे तो ऐसे में जो सशक्त व्यक्तित्व है वो भी बड़ा इंपैक्ट डालता है भारत में वोटिंग को लेकर के अगर एक कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका व्यक्तित्व पर्सनैलिटी इतनी इंप्रेसिव नहीं है लोगों में पकड पहुंच कम है तो ऐसे लोगों को आप देखना इतना वोट देख नहीं मिलता है अब इसके साथ साथ अगर हम और भी बात करें तो एक और मुद्दा होता है जिसको हम बोलते हैं धन पैसा भारत में धन धन जो है ना पैसे को लेकर के भी बहुत सारी वोटिंग होती है इसको भी देखना है समझना है सारे लोग जब आप ये खर्च करते हो ना तो ये सारे के सारे फैक्टर खत्म हो जाते हैं आप बस इलेक्शन के टाइम आप देखना जब ये सारे हथकंडे काम नहीं आते जाति के आधार पर धर्म के आधार पर भाषा क्षेत्र व्यक्तित्व के आधार पर जब लोग उनको लगता है किसी को भाई वोटिंग नहीं मिलने वाली फिर उसके बाद प्रयोग किया जाता है धन का पैसे को बड़ी संख्या में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं इलेक्शन के टाइम इवन हमने तो कितने सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जो इंटरनेट पर वायरल हुए हैं या ऐसे केस देखे कि लोगों को उम्मीदवार जो लोग जो हैं वोटरों को दो दो हजार रुपए देते हैं कि लोग दो हजार रुपए लो अभी हमारा वोट डाल दो है ना ये लो पांच हजार रुपए लो वोट डाल दो ये लो दस हजार रुपए लो पूरे परिवार का वोट डाल दो ये लो दारू लो ये लो शराब चिकन लो मटन लो पनीर लो कोल्ड ड्रिंक लो कुछ भी लो टीवी लो साड़ी लो इस तरीके से तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है भारत के अंदर वोटिंग बिहेवियर का इवन सबसे बड़ी चीज जो होती है वो चुनावी घोषणाएं होती हैं चुनावी घोषणाएं कैसी जो फ्री वाली घोषणाएं हैं कि आप इलेक्शन अगर हम जीत गए हमें वोट दोगे तो पंद्रह लाख रुपए मिलेंगे तीस लाख रुपए मिलेंगे फ्री बिजली मिलेगी फ्री पानी मिलेगा ठीक है फ्री में एरोप्लेन में यात्रा कराएंगे फ्री में सारे लोगों तक जो है ना ये चीज पहुंचाएंगे कि गाड़ी देंगे फ्री में फ्री में मोटरसाइकिल देंगे फ्री में साइकिल देंगे फ्री में टीवी देंगे ये इस तरीके की घोषणाएं ये धन के प्रयोग को दिखाती हैं और लोग इससे ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि अच्छा फ्री में मिलेगा चलो वोट डाल कर जाते हैं तो ये सारी की सारी चीजें जो है यहां पर होती है तो ये सारे के सारे आधार होते हैं जिससे आपकी वोटिंग प्रभावित होती है अब वोटिंग प्रभावित के इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इसमें मीडिया की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है मीडिया किस तरीके से भूमिका निभाता है मीडिया एक तो सारे नागरिकों को जागरूक करने में भूमिका निभाता है अवेयरनेस फैलाता है सारी पार्टियों की जो मैनिफेस्टो है उनके जो कैंडिडेट हैं, उनकी पूरी की पूरी जांच पड़ताल करके आपके सामने रख देता है, को वो करते है। लेकिन इस भी वो दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों का, का पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने ला करके खड़ा कर देते हैं दूसरा चैनल किसी का कर देगा एक चैनल किसी का दूसरा किसी का तीसरा किसी का तो आपको सभी उम्मीदवारों के बारे में सारी चीजें स्पष्ट तौर पर पता चल जाती है उनके बीच में डिबेट कराया जाता है तो उनकी मानसिकता का भी पता चल जाता है उनकी क्षमता का भी पता चल जाता है तो एक जागरूकता बहुत फैलाने में बड़ी हेल्प करती है मीडिया सकारात्मक रूप से अगर इसको देखा जाए तो ठीक अवेयरनेस जो है लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए भी ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं वो मीडिया के माध्यम से दिए जाते हैं तो ये हमारी वोटिंग पैटर्न है अगर मतदान व्यवहार की बात करें इससे अगर सवाल बनेगा तो मेन्स में बनेगा और मेन्स में इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि भारत में भारतीय लोकतंत्र में मतदान व्यवहार किसी एक कारण या किसी एक फैक्टर एक आधार पर निर्धारित नहीं होता यह एक बहुआयामी आधारों पर निर्भर है ठीक है तर्कपूर्ण विवेचन करें इस तरीके से सवाल दे दिया जाएगा तो आपको इन सारे फैक्टर्स को थोड़ा थोड़ा करके लिख देना है, बता देना है कि किन किन आधार पर भारत में वोटिंग बिहेवियर जो वोटिंग पैटर्न जो है वो प्रभावित होता है और इसके लिए इसका आंसर देने के लिए एक सबसे बड़ा बढ़िया तरीका बताता हूं कई बार जब बहुत सारी चीजें हो जाए ना आपके पास लिखने के लिए तो आप फ्लो चार्ट का यूज कीजिए आप इस तरीके से एक फ्लो बनाइए इसमें लिखिए मतदान व्यवहार ठीक है कि मतदान व्यवहार ये किससे प्रभावित हो रहा है और यहां से आप निकाल लीजिए फिर आपकी मर्जी है आप इसके बाद यहां से बादल वादल निकालते हैं ठीक है आप चाहें तो दिल बनाना चाहें दिल बना लीजिए आप चाहें बॉक्स बनाना चाहें बॉक्स बना लीजिए आप चाहें ऐसे ऐसे इस तरीके से ऐसे ऐसे बनाना चाहे बना लीजिए ऐसे फ्लो चार्ट बनाइए और उसमें फिर लिखिए इधर लिख दीजिए धर्म है ना इधर लिख दीजिए भाषा इस इधर लिख दीजिए जाति इधर लिख दीजिए क्षेत्र ठीक है इधर लिख दीजिए धन व्यक्तित्व

ने नॉलेज को प्रेजेंट किस तरीके से किया नॉलेज सबको है लेकिन प्रेजेंट करना सबको नहीं आता है फ्लो चार्ट जितना ज्यादा बनाओगे आपके लिए बहुत सारा बेनिफिट होगा उतना ही नंबर आपको ज्यादा मिलने की संभावना रहेगी मतदान व्यवहार हो गया अब आ जाते हैं गठबंधन की सरकार के ऊपर की गवर्नमेंट ठीक है अब ये छोटे छोटे चैप्टर हैं ज्यादा बड़े चैप्टर हैं नहीं तो गठबंधन सरकार उसके बाद दल परिवर्तन कानून दबाव समूह छोटे छोटे से चैप्टर हैं इनको कोशिश करते हैं कि अभी समाप्त कर देते हैं तो आगे बढ़ने से पहले कैसे भाई हाउस द जोश जोश है कि नहीं आप लोग जिंदा हैं कि नहीं एक बार इसको लाइक शेयर करते आ जाओ यार लाइक शेयर कर दीजिए सभी लोग पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए सब्सक्रिप्शन लेना है अभी तो एलवाई लाइव रेफरल कोड लगा करके लेना तो आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगी प्रॉपर हेल्प भी मिलेगी हमसे देखिए गठबंधन सरकार का मतलब यह है कि जब किसी एक पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिलता तो कई सारी पार्टियां मिलकर के एक गठबंधन जो है वो बना लेती हैं एक समूह बना लेती हैं और फिर वो बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाती हैं भारत में क्या हुआ दो स्तर पर अगर हम बात करते हैं अगर मैं बात करूं राज्य के स्तर पर और एक बात करूं केंद्र के स्तर पर तो उन्नीस में 1967 में तक राज्य के स्तर पर केवल एक ही पार्टी आपको देखने को मिलती छुटपुट इक्का दुक्का अगर हटा दे दो कांग्रेस का ही अस्तित्व था ऐसे ही केंद्र के स्तर पर देखेंगे तो 1977 तक 1977 तक केंद्र में कांग्रेस का ही अस्तित्व था उन्नीस में राज्य के स्तर पर कई सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी या गठबंधन की सरकारें बनी और 1977 में केंद्र के स्तर पर पहली बार गैर कांग्रेस की, की सरकार थी जनता पार्टी के नेतृत्व में मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने फिर उसके बाद तो 1990 का दशक भारत में एक ऐसा दशक बनकर के आया जब क्षेत्रीय दल उभर कर के आए जैसे जैसे क्षेत्रीय दल उभर कर तो के आए तो उन्नीस के दशक के बाद से ही भारत में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता स्पष्ट बहुमत के अभाव में कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाती जब वो अपने दम पर सरकार नहीं बना पाती तो इसलिए ऐसे में क्या होता उनको दूसरी पार्टियों का सहारा लेना पड़ता अब दूसरी पार्टियों का सहयोग लेकर के मिलजुल करके फिर वो पार्टियां बनाती गठबंधन की सरकारें बनाई जाने लगी अब गठबंधन की सरकारों के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं कुछ लाभ भी हैं तो कुछ दुर्गुण भी हैं सबसे पहले तो कि गठबंधन में कई सारे दल हैं तो वो दल अलग अलग समूहों को अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो एक तो भारत का लोकतंत्र जो है अधिक सहभागी हुआ उसमें सभी समूहों को भाषाओं को क्षेत्रों को धर्मों को जातियों को सहभागिता मिलने लगी अधिक मिलने लगी पहले के मुकाबले तो ज्यादा प्रतिनिधित्व हुआ इसको हम फिर वास्तविक लोकतंत्र के अंतर्गत रख सकते हैं भारत की सांस्कृतिक भारत की जो विविधताएं हैं उन विविधताओं को स्थान मिला अलग अलग विचारधाराओं वाले लोगों उनको स्थान मिला ठीक है दूसरी चीज एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये देखने को मिलती है कि जब भी गठबंधन की सरकार बनी तो जो केंद्र सरकार की मनमानी होती थी सेंटर की जो तानाशाही होती थी उस तानाशाही के ऊपर अब रोक लगी जैसे आपने देखा कि इंदिरा गांधी का शासनकाल था राजीव गांधी का शासन काल था उस टाइम सेंटर जो चाहता था वो अपनी मर्जी से कर लेता था वर्तमान में भी आप देखोगे केंद्र जो चाहता है वो अपनी मर्जी से कर लेता है राज्यों की पूछ नहीं थी राज्यों से पूछा नहीं जाता था या राज्यों के ऊपर चीजें थोप दी जाती थी राज्य चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे ठीक है लेकिन जब गठबंधन की सरकारें बनने लगी तो गठबंधन की सरकारों के कारण केंद्र की जो तानाशाही थी वो कम होने लगी अब राज्यों के पास भी अधिक वो स्वायत्तता की डिमांड करने लगे वो भी और अधिक स्वतंत्र होकर के काम करने की डिमांड करने लगे तो उनको थोड़ी शक्ति अधिक मिल जाती थी केंद्र की तानाशाही नहीं होती थी यह एक बेनिफिट रहा अब इसके साथ साथ कुछ नुकसान भी है कुछ लंबा भी दिक्कत भी होती है अवगुण भी है अवगुण क्या होती है कि भैया ये अल्प समय के लिए बन जाती अल्प समय के लिए क्या या इसको अस्थिर कह सकते हैं हम स्थिर नहीं होना अब आप कहोगे सर अस्थिर कैसे गठबंधन की सरकार है मिलजुल करके बनी है तो ये टूटती भी है ना गठबंधन के पार्टी में क्या होता है कि कोई घटक गट, दल जो है वो नाराज हो गया तो नाराज हो जाएगा वो अपना समर्थन वापस ले लेगा जैसे समर्थन वापस लेगा तो सरकार गिर जाएगी तो ऐसी सरकार कब गिर जाए कोई पता नहीं होता है चाइनीज आइटम की तरह कब खराब हो जाए पता नहीं चला तो खूब चला नहीं चला तो एक दिन भी नहीं चला तो गठबंधन की सरकारों का हाल यही है कि बार बार सरकारें बनती हैं गिरती हैं तो इससे राजनीतिक अस्थिरता का एक दौर आता है अव्यवस्था फैलती है बार बार चुनाव होते हैं बार-बार चुनाव होने से भारत के ऊपर आर्थिक भार बहुत ज्यादा पड़ता है, है एक तो यह चीज है।, है, है कि दबाव वाली सरकार होती है बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है बड़ी मंत्रिमंडल के अंदर मंत्रिपरिषद के अंदर सभी पदों के लिए दावेदारी होती है हर सहयोगी दल बोलता है कि भैया मेरे को यह मंत्री चाहिए मेरे को यह मंत्री पद चाहिए मेरे को वो मंत्री पद चाहिए तो बंदर बांट सी होती है मंत्री पदों की एक दूसरे के साथ साथ ठीक है अब हर कोई जब इस तरीके से वो वो पोस्ट पोस्ट के लिए लड़ रहा है है जिसको भी मिलती फिर कोशिश करते हैं कि उस क्षेत्र से जितना ज्यादा कमा लिया जाए कमा लिया जाए ऐसे टाइम में देश के विकास देखोगे ना वो थोड़ा धीमा हो जाता है आप दीर्घकालीन नीतियां लंबे समय के लिए चलने वाली नीतियां हाथ में नहीं ले सकते क्योंकि पता ही नहीं रहेगा कि कब वो नीति आई कब आप लोग सरकार गिर गए वो है ठीक प्रधानमंत्री की भूमिका कम हो जाती है छोटा सा छोटा घटक दल जो है वो किंग मेकर बन करके आ जाता है मंत्रिमंडल का आकार बहुत बढ़ जाता है 1999 में 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी का जो मंत्रिमंडल मंत्री परिषद था निन्यानवे लोग थे उसमें नाइनटी लोग इतनी बड़ी संख्या थी सोचिए बहुत बड़ी संख्या थी उसी के बाद चुनाव सुधार के तहत आप देखोगे तो मंत्रिपरिषद की संख्या जो है लिमिटेड करके पंद्रह परसेंट करनी पड़ी कि भैया आपकी जो सदन की संख्या है कुल संख्या का पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं कर सकते तो वो अव्यवस्था का माहौल जो है वो भी देखने को मिलता है तो गठबंधन सरकार के संदर्भ में इतना ही था इससे ज्यादा कुछ नहीं था गठबंधन से संबंधित आपसे सवाल अगर पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत की राजनीति में आ, गठबंधन की राजनीति ने केंद्रीय तानाशाही या केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के साथ साथ सहकारी संघवाद को भी बढ़ावा दिया है ठीक है विवेचना कीजिए तो इसमें आपको इसके बेनिफिट्स बता देने हैं। एक ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि पूछा जा सकता है कि क्षेत्रीय दलों के उभार ने भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर प्रारंभ किया है आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए ये पूछा जा सकता है और भी कई सारे सवाल जो है यहां से आपके लिए बन सकते हैं अगर आपको ध्यान से अगर आपने क्लास सुनी होगी तो आपको पता चलेगा और बाकी आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बहुत डिटेल से ऑलरेडी मैं ये क्लासेस करवा चुका हूं अभी मैं केवल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बेस बनाने के लिए आपका और एक रिवीजन के लिए सुपर फास्ट रिवीजन के लिए मैं कर रहा हूं आपको इसकी डिटेल चाहिए आपको डिटेल वाली क्लासेस चाहिए नहीं मिल रही तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर मेरी टीम का नंबर है उनसे व्हाट्सअप कीजिए उनको कॉल कीजिए वो आपके पास पूरी की पूरी क्लासेस का लिंक भेज देंगे फ्री है टेलीग्राम चैनल का नाम है अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला फिर से बोलता हूं अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और अन अकेडमी का कोर्स कभी भी लेना हो जब भी आपका मन हो तो एलवाई लाइव कोड जरूर अप्लाई कीजिए अगले चैप्टर पर चलते हैं वो है दल

सूटकेस दिया जा रहा है अब ये काले सूटकेस के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है जो यहां पर लेकर गए हो सकता है नोट देख करके खरीद लिया गया हो हो सकता है इस तरीके से पार्टियां आओ भगत करके खरीद लिया गया हो है ना इस तरीके से टोकरी के अंदर उनकी बोली लगाई गई हो कीमत लगाई गई हो इस तरीके से चीजें होती हैं आया राम गया राम इसको बोला जाता है ठीक है क्या होता है भारत के अंदर पहले क्या होता है? एक पार्टी जीत जाती ठीक है हम नाइनटीन से पहले की बात करते हैं मान लेते ए पार्टी है इस पार्टी के सौ मेंबर हैं ठीक है अब ऐसे में कोई बी नाम की पार्टी थी वो क्या करती वो इन मेंबर्स को क्या करती इनको या तो डराती ठीक है या पैसे का लालच देती या पद का लालच देती कि भैया मंत्री बना देंगे तो इन में से हो सकता है कि सो में से तीस पैंतीस लोग जो है ना यहां से लेस हो जाते पैंतीस लोग लेस होकर इस पार्टी को ज्वाइन कर लेते ऐसा करने से जिसकी सरकार थी वो सरकार गिर जाती ठीक है जिस पार्टी के नाम पर जिस विचारधारा के नाम पर लोगों ने वोट दिया इस लोगों के साथ लोगों के वोट के साथ ये धोखा हो गया ये लोग ये नेता लोग ये सारे के सारे प्रतिनिधि अपने फायदे के लिए अपने बेनिफिट के लिए अपने लोगों के द्वारा दिए गए जनादेश को खंडित करते हुए अपनी विपक्षी पार्टी में जाकर के मिल जाते हैं ऐसी पार्टी में जिसके खिलाफ इन्होंने हो सकता है कि प्रचार करके इलेक्शन लड़ाओ लेकिन जब फायदा मिल रहा है तो इसमें चले गए तो इस तरीके से सरकारें बनने लगी बिगड़ने लगी बहुत बड़ी संख्या में भारत में होर्स ट्रेडिंग होने लगी नेताओं को खरीदा और बेचा जाने लगा तो इससे क्या ना करप्ट 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 प्रैक्टिस करेप, जिसको बोलते हैं भ्रष्ट व्यवस्था राजनीति में प्रारंभ होने लगी अब उस भ्रष्ट व्यवस्था के कारण भारत का लोकतंत्र जो है वो खतरे में आने लगा इसको दूर करने के लिए एक सख्त कानून की आवश्यकता थी इसलिए भारत में एक संविधान संशोधन किया गया वो है बावनवा संविधान संशोधन उन्नीस में हुआ 1985 में किया गया और इसका नाम रखा गया एंटी डिफेक्शन लो दल बदल कानून ठीक है दल बदल के आधार पर निर्भरता का प्रावधान कर दिया गया कि भैया अब अगर आप एक पार्टी से इलेक्शन लड़े तो उसके बाद अगर आपने कुछ ऐसी ऐसी कुछ गलत गलत जो कानून के अंदरगत चीजें लिखी है अगर उस आधार पर आपने कार्य काम किया तो आपकी सदस्यता रद्द की कर दी जाएगी क्या क्या फैक्टर में रिलेटेड तो तो है, 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 है कब वो जोड़ी गई कौन से संविधान संशोधन से दल बदल आया बावनवा संशोधन उन्नीस सौ पिचासी दसवीं अनुसूची इसमें प्रावधान किया गया इसी को दल बदल कानून कहा जाता है इसमें एक परिवर्तन बाद में भी हुआ 2003 में और वो संविधान संशोधन था इक्यानवेवा संविधान संशोधन इसमें जो है प्राव, कुछ प्रावधानों में बदलाव जो है देखने को मिलता है दल बदल को लेकर के बदलाव मिलता है अब क्या है दल बदल का प्रावधान इसको समझिए निर्हरता सबसे पहले तो किसी सदन का सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है उस सदन की सदस्यता के निर्हरक माना जाएगा इसका मतलब यह है मान लेते हैं कि एक व्यक्ति किसी पार्टी का मेंबर है वहां से जीत करके लोकसभा में आ गया अब वो इन आधारों पर डिस्कालीफाई माना जाएगा कौन से आधार पर यदि वह स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है यानी कि अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है कि भैया मैं अब पार्टी का सदस्य नहीं हूं तो उसके ऊपर दल बदल कानून के तहत कार्यवाही की जा सकती है उसकी जो सांसद बना हो सांसद वाली सीट जो है ना वो छीनी जा सकती है यदि वह उस सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है ठीक है या मतदान में अनुपस्थित रहता है ठीक है तो ऐसे में उसको ऊपर दल बदल के आधार पर कार्रवाई हो सकती है ये क्यों हो सकती है क्योंकि आप किसी पार्टी से इलेक्शन लड़कर गए हो तो आपकी प्रतिबद्धता उस पार्टी के साथ रहती है अब पार्टी अपनी एक विचारधारा एक कार्य प्रणाली है उसके अलग हट करके अगर आप करोगे तो उसका मतलब यह है कि या तो आप उस सरकार को गिराना चाह रहे हैं या उस सरकार के पास प्रेशर बनाना चाह रहे हैं सौदेबाजी करना चाह रहे हैं कि भैया देखो मेरे को मंत्री बना दो नहीं तो मैं सरकार से दूर चला जाऊंगा किसी और के कि साथ मिल जाऊंगा ठीक है इस तरीके की प्रवृत्तियां आप दिखा रहे हो हो सकता है कि आप किसी दूसरी पार्टी से आपने पैसे ले लिए हो लालच मिला हो कि हाँ भाई एक काम करो तुम सरकार गिराने में मदद करो अगली बार हम तुम्हें मंत्री बना देंगे ऐसे गलत चीजों में तुम फंसे हो तो इन सब चीजों के कारण पार्टी के आदेश का फॉलो नहीं किया विप जारी किया जाता है विहिप का फॉलो नहीं किया या जिस दिन इलेक्शन होना है मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव है सरकार के खिलाफ लाया गया है वोटिंग होनी है और उस दिन आज तुम आए ही नहीं और तुम नहीं आए और एक वोट से सरकार गिर गई तो ये क्या है ये एक तरीके से दल बदल ही माना जाएगा कि भाई अपनी पार्टी के पक्ष में बचाव में नहीं आया ठीक है ये सारे के सारे दल बदल के आधार पर किए जाने वाले प्रावधान है कोई भी सदस्य जो है अगर अब स... किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ा है तो पार्टी से इलेक्शन लड़ने के बाद उसको अपनी पार्टी के लिए कार्य करना जरूरी हो जाता है यह प्रावधानी आता है अब केवल पार्टी के सदस्यों के लिए ही नहीं दल बदल जो है निर्दलीय सदस्यों पर भी लगाया जा सकता है लेकिन यह ध्यान रखना कि लगाया जा सकता है कार्यवाही की जा सकती है जरूरी नहीं है कि होगी ही होगी यह कार्यवाही करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को दे दिया गया है यानी कि अगर लोकसभा में मामला है तो लोकसभा के स्पीकर यह निर्धारित करेंगे कि कोई व्यक्ति दल बदल के आधार पर अयोग्य है कि नहीं है यह चीज ध्यान रखना है अब निर्दलीय व्यक्ति को क्या होता है कि कोई भी निर्दलीय व्यक्ति अगर वो बिना किसी राजनीतिक दल निर्दलीय कौन होता है जो किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं है वो इंडिपेंडेंट होकर के इलेक्शन लड़ता है अपने दम पर और खुद के दम पर इसने इलेक्शन लड़ा इलेक्शन जीत गया इलेक्शन जीत करके मान लेते हैं लोकसभा में आ गया अब वो किसी सदन की सदस्य अगर वो किसी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर लेता है तो वो दल बदल के कानून के दायरे में आ जाएगा कोई निर्दलीय इलेक्शन लड़ करके आया जीत गया अब उसने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया जीतने के बाद फिर उसके ऊपर दल बदल कानून के तहत कार्यवाही की जा सकती है हालांकि ऐसे ऊपर कार्यवाही नहीं होती है उसका रीजन है समझिए जितने भी निर्दलीय लोग हैं ना वो सरकार को बनाए रखने में सरकार को बचाने में बड़ी भूमिका निभाती है निभाते हैं आमतौर पर आप देखना जितने भी निर्दलीय लोग हैं मैक्सिमम इलेक्शन जीतने के बाद वो अपना सपोर्ट अपना समर्थन सत्ताधारी पार्टी को ही देते हैं या अगर किसी क्षेत्र में दो तीन पार्टियां हैं उनके बराबर बराबर से वोट हैं 19 बीस अंतर हैं तो निर्दलीय लोग वहां पर सरकार बनाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं तो जिस भी दल के साथ जाते हैं सरकार बनाने में उनकी भूमिका रहती है खूब मोटा पैसा उनको दिया जाता है खूब पैसा वो कमाते हैं ठीक है ये भी एक ऐसा मामला है जिसमें खूब पैसा बना देता पार्टी इनको है ना नोटों की बारिश कर देती है इनके ऊपर वो गाना इन्हीं के पे चलता है मैं बारिश कर दू पैसे की जो तू हो जाए मेरी पार्टियां इनको बुलाते हैं सारे निर्दलियों को कि आ जाओ पैसों की नोटों की बारिश हो जाएगी तो ये एक अनैतिक साधन है अगर आप किसी पार्टी से अलग होकर के इलेक्शन लड़े हो लोगों ने आपको वोट इसीलिए दिया है कि यार तुमने हिम्मत दिखाई स्वतंत्र होकर के लड़ने की और तुम किसी की विचारधारा से समर्थन नहीं हो उसके बाद तुम लोगों के वोट की इस तरीके से बेइज्जती कर रहे हो किसी पार्टी का सदस्य बनकर के है ना तो इससे सरकार बनने और बिगड़ने का भी बड़ा रोल वो होता है इसलिए आपके ऊपर दल बदल कानून के तहत प्र, ये जो है कार्यवाही किया जा सकता है की जा सकती है जरूरी नहीं है कि होगी होगी पर की जा सकती है ये है अब जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं आपको पता है कि राज्यसभा के अंदर बारह सदस्य जो हैं उनको नामांकित करते हैं राष्ट्रपति ठीक है समाज सेवा खे अगर हम बात करते हैं कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा ठीक है इन सब क्षेत्रों से राष्ट्रपति जो है नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में अब ये नॉमिनेटेड व्यक्ति है वो किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले ठीक है किसी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता ले ले तो उसके ऊपर भी दल बदल कानून लागू होता है डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है प्रिजाइडिंग तो निर्धारण जो है वो सदन का अध्यक्ष करेगा ठीक है इस चीज को ध्यान में रखना जब ये कानून बनाया गया था तो उस कानून में प्रावधान किया गया था कि अध्यक्ष ने यानी कि फॉर एग्जाम्पल लेते कि कोई सदस्य लोकसभा के अंदर है और उसके ऊपर दल बदल कानून के तहत कुछ प्रक्रिया उसके साथ की गई है उसको हटाने की बात की गई है ठीक है उसको हटा दिया गया है इस मामले में दल बदल के आधार पर किए गए किसी भी निर्णय में अध्यक्ष का निर्णय फाइनल माना जाता था फुल एंड फाइनल ठीक है लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लियर किया और कहा कि भाई अगर दल बदल के आधार पर अगर अध्यक्ष ने निर्णय दिया है

तो चीज किया जा सकती है ठीक है पीठासीन अधिकारी रहेगा यह ध्यान रखना है दुर, देखना, प्रतिकूलता आदि के आधार पर न्यायिक समीक्षा इसकी की जा सकती है अब इसके बाद इक्यानवेवा संविधान संशोधन होता है दो हजार तीन ठीक है और इसने क्या किया एक तो कुछ बदलाव किए सबसे पहले तो मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो उन्होंने पंद्रह प्रतिशत कर दिया लोकसभा और विधानसभा दोनों में ही सदन की जो सदस्यता है जितने भी सदस्य हैं उसका पंद्रह प्रतिशत से अधिक मंत्री नहीं हो सकते क्योंकि पहले क्या होता था गठबंधन की सरकारें जब बनती तो हर किसी को कोई किसी को कुछ मंत्री बना दिया किसी को कुछ मंत्री बना दिया किसी को कुछ मंत्री दुनिया भर के मंत्री पैदा हो जाते थे और उससे कोई भी कामकाज ढंग से हो नहीं पाता था बंदरवाट सी हो जाती थी अब यह कर दिया कि पंद्रह से ज्यादा नहीं होंगे केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री समेत और राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री समेत हालांकि कुछ अपवाद भी हैं दो केंद्र शासित प्रदेश इसके अपवाद हैं जैसे दिल्ली और जम्मू कश्मीर वहां पर विधानसभा है विधानसभा की कुल सदस्यता का दस प्रतिशत ही मंत्री हो सकते हैं दिल्ली और जम्मू कश्मीर को छोड़कर के भारत में जितनी भी विधानसभाएं हैं उन सभी में पंद्रह प्रतिशत का कानून लागू होता है दिल्ली और जम्मू कश्मीर में दस प्रतिशत का कानून लागू होता है ठीक है इस चीज को ध्यान रखना अब इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं यही मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद राज्य का भी मैंने आपको समझाया दिया वही है ठीक है जी ये हो गया इसके साथ साथ एक और चीज है ये चीज समझना कि अगर किसी को दल परिवर्तन के आधार पर निर्धरक घोषित कर दिया गया तो ऐसे में वो व्यक्ति किसी मंत्री पद पर भी नहीं रहेगा वो बाकी पद जो है वो भी उसको छोड़ना पड़ेगा ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी 1985 के कानून में एक लूप होल था लूप होल क्या था उसमें यह प्रावधान किया गया था कि मान लेते हैं कि एक पार्टी है इस पार्टी के पास निन्यानवे सदस्य हैं। अब इन निन्यानवे सदस्यों में से तैतीस सदस्य मिलकर के एक नई पार्टी बना लेते हैं ठीक है एक नई पार्टी बना लेते हैं या किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं दूसरी में चले जाते हैं यानी कि एक तिहाई सदस्य तो उसको दल बदल के अंतर्गत नहीं माना गा जाता था कि भैया अगर किसी पार्टी के एक तिहाई सदस्य उस पार्टी से अलग होकर के नई पार्टी बना ली या किसी दूसरी पार्टी में चले गए तो उसको दल बदल के कानून के तहत नहीं लाया जाता था। इस संविधान संशोधन से 2003 में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया ठीक है एक तिहाई वाला ये जो प्रावधान था ये अब समाप्त कर दिया गया है ये नहीं है चलिए तो इतना ही था जो आपको दल बदल कानून के संदर्भ में जानना था वहां से प्रिलिम्स के अंदर का सवाल आने की संभावना रहेगी प्री के अंदर सवाल किस तरीके से आएगा वो ध्यान से समझिएगा सवाल यह रहेगा भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नाकित कथनों पर विचार करें सारे दोस्त ध्यान से सुनना मैं चाहता हूं आप लोग आंसर देना कमेंट में अभी आपस में जो आप लगे हुए इसके अलावा थोड़ा सा आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करना वीडियो खत्म होने के बाद तो शायद प्रॉपर कोशिश करना कि आंसर दें कमेंट बॉक्स में लिख करके भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार करें पहला कथन भारत में दल बदल के आधार पर निर्भरता का फैसला प्रधान राष्ट्रपति करते हैं दूसरा कथन दल बदल के आधार पर किए गए फैसले को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती तीसरा कथन दल बदल कानून भारत के संविधान में मूल रूप से निहित था चौथा कथन दल बदल कानून के तहत भारत में ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई और अब आपसे कहा जाएगा कि गलत कथन चुनिए और आपके विकल्प रहेंगे एक और चार गलत बी दो और तीन गलत सी एक दो तीन गलत और डी एक दो तीन चार चारों गलत क्या आंसर रहेगा कर, कमेंट बॉक्स में बताइए चलिए सभी लोग कोशिश कीजिए आंसर देने की मैं चाहता हूं कि सारे के सारे दोस्त आंसर दे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा गलत स्टेटमेंट है सब लोगों को रोंग स्टेटमेंट बतानी है। चारों को चारों स्टेटमेंट जो है वो गलत है कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं था ठीक है जी चारों के चारों स्टेटमेंट गलत है एक भी स्टेटमेंट सही नहीं था ये ध्यान रखना है चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं दबाव समूह पर प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर प्रेशर ग्रुप्स बेसिकली क्या होता है इसका मतलब यह है कि किसी काम को कराने के लिए प्रेशर डालना दबाव डालना जैसे आपके घर वाले हैं वो आपके ऊपर किसी काम को करने के लिए प्रेशर डालते है? नहीं डालते जैसे कि मान लीजिए उनको आपको बोलना है कि देखो बेटा शादी करनी है कि नहीं करनी तो इसके लिए नौकरी लगो ठीक है जैसे लड़कों के ऊपर ये प्रेशर डाला जाता है कि अगर विवाह करना है छोकरी चाहिए तो नौकरी लेनी पड़ेगी सरकारी नौकरी है ना सरकारी नौकरी नहीं तो शादी नहीं विवाह नहीं तो वो एक तरीके से आप पे उन्होंने प्रेशर डाल रखा है कि हाँ भाई नौकरी करनी है कुछ भी करके नहीं तो शादी नहीं होगी तो आपसे वो प्रेशर डाल करके वो काम करवाया जा रहा है अब वो काम अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है लेकिन काम करवा लिया गया आपको प्रभावित किया गया अपने जैसे आप लोग भी करते हैं घर वालों पर प्रेशर डालते जैसे बचपन में नहीं डालते थे कि आपको कोई ड्रेस पसंद आएगी कि कोई कपड़े पसंद आ गए कोई चीज पसंद आ गई और वो घर वालों से आपने डिमांड की कि भाई देखो मेरे को ये ड्रेस चाहिए घर वालों ने नहीं दिलाए अगर आप मेरी तरह शरारती बच्चे रहे होंगे तो पसर जाते होंगे आंगन में रोने लग जाते होंगे जोर जोर से मेरे को ड्रेस नहीं दिलाओ ड्रेस चाहिए ड्रेस दिलाओ ड्रेस दिलाओ करते थे कि नहीं मैं तो बहुत बचपन में कई बार करता कोई चीज कोई नई सामान दिलाया कोई पसंद आया तो गांव में आंगन होता था मिट्टी का आंगन उसमें लोट प हो जाता था गिर जाता था छोटी उम्र की बात कर करें जब दस ग्यारह साल से के आसपास की उम्र होती थी उससे और लोट पलोट करके रो रो करके फिर डिमांड करते थे कि ये दिलाओ नहीं नहीं तो तब तक ऐसे रोते रहेंगे खाना नहीं खाएंगे खाना खाना छोड़ देंगे खाना नहीं खाएंगे जब तक जैसे आप में से कई सारे लोग यहाँ पर चैट बॉक्स में प्रेशर बनाते हैं कई सारे लोग हैं जो मैं चैट बॉक्स देखता रहता हूं अभी भी मैं देख रहा था कि मेरे से बात कर लो नहीं तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा है ना तुम मेरे से बात कर लोगी तो मैं पढ़ाई कर लूंगा मेरा मन लगा रहेगा पढ़ाई इस तरीके के कमेंट में वो लगे रहते भाई ये क्या प्रेशर है वो प्रेशर बना रहे सामने वाला प्रेशर में आ भी रहे कि नहीं नहीं ऐसा मत करो मैं इतना रेगुलर बात नहीं कर सकती है नहीं कर सकता तुम अपने कैरियर पे भी ध्यान दो है ना पढ़ाई करते रहो प्लीज पढ़ लो ना प्लीज वो उसमें लगे रहते ये भी एक प्रेशर है एक तरीके से मतलब आपको ब्लैकमेल किया गया प्रेशर बनाया गया और आप उस पर आए हो इसी तरीके से भारत में सरकार के ऊपर आप देखना काम करवाने के लिए अलग अलग दबाव समूह होते हैं कुछ ग्रुप्स होते हैं वो ग्रुप्स और वो हैं वो सारे लोग मिलकर के वो क्या बात करते हैं वो कोशिश करते हैं कि सरकार के ऊपर दबाव डालें और सरकार से अपनी बात मनवाएं जैसे इसका मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की उसी तरीके से मान लेते हैं कि आप एक ग्रुप हैं हिंदी मीडियम के ग्रुप हैं हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं अब हिंदी माध्यम का सिलेक्शन मान लेते हैं कि यूपीएससी में बहुत कम हो रहा है ज्यादा नहीं हो रहा अब आपको सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना है कि सरकार से डिमांड करना है कि सरकार हिंदी मीडियम में हमें रिजल्ट चाहिए है ना हिंदी मीडियम के लोगों का रिजल्ट कम हो रहा है इनके रिजल्ट को बढ़ाने के लिए प्रयास करें अब एक दो तीन चार पांच लोग मिलकर के डिमांड करेंगे कोई नहीं सुनेगा लेकिन एक समूह बन जाए बहुत बड़ा हिंदी मीडियम का अलग अलग क्षेत्रों में बड़े बड़े समूह बन जाए हिंदी मीडियम को वो सभी लोग सरकार से डिमांड करें पत्र लिखें आलोचनाएं करें है ना डिबेट्स में पार्टिसिपेट करें अपने इलेक्शन के टाइम चुनाव के टाइम अपने प्रतिनिधियों के क्लियर बोल कि देखो ये हिंदी बेल्ट है वोट तभी मिलेगा जब हिंदी मीडियम के लिए फिफ्टी परसेंट का रिजर्वेशन दिलाओगे तो इससे क्या होगा कि सरकार को पता चलेगा यार ये बड़ा प्रेशर ग्रुप है बड़े इनका कुछ डिमांड से इनको पूरी करेंगे तभी हमें वोट मिलेगा तभी हम काम करेंगे है ना तो फिर सरकार आपके लिए काम करने की कोशिश करती है तो बेसिकली अपने इंटरेस्ट के लिए अपने बेनिफिट के लिए आप दबाव बनाते हो सरकार पर और अगर आपका प्रेशर ग्रुप बढ़िया है बड़ा है तो सरकार आपके अनुसार काम करने के लिए बाध्य हो जाती है आपकी अनदेखी जो है सरकार नहीं कर सकती है भारत में कई तरीके के दबाव समूह होते हैं जैसे आप देखोगे व्यवसायी आप कॉरपोरेट सेक्टर ले लीजिए सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप यही है सरकार के ऊपर देखोगे तो इन्हीं की ही चलती है ये प्रेशर बनाते सरकार इन्हीं के अनुसार नीतियां बनाते हैं ठीक है कॉर्पोरेट समूह जिस तरीके की डिमांड रखते हैं जिस तरीके की अपने कर्जे को वेव ऑफ करने की डिमांड रखते हैं सरकार वो कर देती है क्योंकि सरकार के पास बहुत मोटी फंडिंग कहां से आती है कॉर्पोरेट सेक्टर से आती है तो इनके पक्ष में खूब सारी पॉलिसी बना देती है ऐसे ही आप देखोगे तो भारत के अंदर कई सारे धार्मिक संगठन है धर्म के आधार पर संगठन है ठीक है और उन धार्मिक धार्मिक संगठन है इन धार्मिक संगठनों का जुड़ाव किसी ना किसी पार्टी के साथ है तो ये भी प्रेशर बनाते हैं सरकार के ऊपर कि भाई हमारे धर्म के लेकर के ये चीज होनी चाहिए ये चीज नहीं होनी चाहिए कई सारे दल हैं ऐसे ही हम बात करें तो बहुत सारी भाषाई समूह हैं वो भाषा के आधार पर प्रेशर बनाते हैं तीसरे की अगर हम बात करें भाषा इसके आधार पर तो आप देखिए भारत के अंदर राज्यों का पुनर्गठन हो गया था आपको याद होगा नाइनटीन में जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया और राज्यों का जो पूरा का पूरा पुनर्गठन आप देखोगे उस दौर में तो भाषा उसमें एक प्रमुख फैक्टर थी अलग अलग क्षेत्र में छात्र समूह हो गए ठीक है अलग अलग समूह हो गए हर किसी के खेती हर समूह हो गए इस सरकार के ऊपर प्रेशर बना करके काम कराने का कार्य करते हैं ठीक है तो यही है दबाव समूह इसके कारण कई बार क्या होता है इसका बेनिफिट क्या है इसका बेनिफिट यह है कि सरकार कई बार ऐसे निर्णय लेने से ले लेती है जिससे किसी एक समुदाय एक समूह विशेष को नुकसान होता हो लाभ ना पहुंचता हो तो जब ये दबाव समूह प्रेशर बनाते तो सरकार ऐसे फैसलों को या तो सही कर लेती है या हटा लेते जैसे कि आपने किसान आंदोलन देखा किसान आंदोलन बेसिकली क्या था एक प्रेशर ग्रुप ही तो था जो तीन किसान बिल लाए थे सरकार के द्वारा किसान फार्मर बिल लाए गए उन फार्मर लोस के ऊपर किसानों ने विरोध किया धरना प्रदर्शन किया हालांकि उनका तरीका है वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे अभी अभी बस एक प्रेशर ग्रुप के आधार पर बताते हैं कि किस तरीके से काम किया तो किसानों ने मिलकर के आंदोलन किया सरकार को वो बिल वापस लेने पड़ गए सरकार ने पूरे के पूरे तीनों विधेयक वापस ले लिए तो प्रेशर ग्रुप ने क्या किया एक दबाव बना करके सरकार के ऊपर उन्होंने किसी काम को करने से रोक दिया या अपने हित में काम करवा लिया ये होते हैं प्रेशर ग्रुप यहां से आपका सवाल आ जाएगा मुख्य परीक्षा में मेंस में सवाल पूछ लिया जाएगा कि भारत में दबाव समूहों की भूमिका पर आलोचनात्मक निबंध लिखिए या यूं सवाल आ जाएगा कि भारत में दबाव समूह किस प्रकार सौदेबाजी की राजनीति को बढ़ावा देते हैं ठीक है क्योंकि कई बार देखना सरकारें इलेक्शन लड़ने से पहले अलग अलग प्रेशर ग्रुप से बातचीत करती है उनके साथ डिस्कशन करती है उनको मनाने की कोशिश करते कि हाँ भाई ठीक है आप लोग एक काम करो हमारे साथ जुड़ो हमारे साथ वोट देना तो हम बाद में तुम्हारे लिए हेल्प करेंगे वोट बैंक के आधार पर भी प्रेशर ग्रुप जो है वो चलता है तो कई सारी चीजें हैं आप लोग इसका आंसर करेक्ट कर पाएंगे अगर आप क्लास में जिंदे थ, जिंदा थे तो उत्तर सही तरीके से दे पाएंगे दबाव समूह में इतना ही था अब अगले चैप्टर पर आ जाते हैं राष्ट्रीय एकता पर नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर आ जाते हैं राष्ट्रीय एकता की अगर हम बात करते हैं तो देखो प्रिलियम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से भी इतना ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूं जब भी हम बात करते हैं ना नेशनल इंटीग्रिटी की तो भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश है विविधताओं वाला देश है अलग अलग जाति धर्म भाषा क्षेत्र लिंग के लोग भारत में रहते हैं सब बड़ी प्यार मोहब्बत से रहते हैं एक अच्छे तरीके से रहते हैं लेकिन भारत की राष्ट्रीय एकता को कई सारी चीजें हैं जो खतरे हैं जैसे कि अगर कुछ खतरों की बात करें तो सबसे बड़ा खतरा अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा खतरा जो है वो है क्षेत्रवाद क्षेत्रवाद भारत की राजनीति में भारत की एकता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है होता है क्या है कि आजकल लोग अपने आप को भारतीय होने के बजाय किसी एक क्षेत्र विशेष के साथ ज्यादा जोड़ करके देखते हैं वो ये बोलने लगे कि हम भाई महाराष्ट्र के हैं हम हरियाणा के हैं ना हम हरियाणवी हैं हम मराठी हैं हम गुजराती हैं हम बिहारी हैं हम केरला के हैं कहने का मतलब बेसिकली सब लोग अपने आप को किसी क्षेत्र विशेष के साथ संबंधित करके ज्यादा प्राउड तरीके से वो करते हैं और दूसरे लोग भी इसी तरीके से करते हैं वो दूसरे लोग भी बोलते हैं कि भाई हम तो इस राज्य के वो उस राज्य का है है ना वो तो ऐसा है इस राज्य के लोग ऐसे होते हैं उस राज्य के लोग ऐसे होते हैं तो आपस में ही एक दूसरे के साथ वैमनस्यता जो है वो पाल लेते हैं ईर्ष्या द्वेष जो है वो पालते चले जाते हैं तो अलग अलग राज्यों के समुदायों के बीच में एक दूसरे के खिलाफ जो है एक घृणा की भावना सी भारत में उत्पन्न होने लग जाती है इसका रीजन क्या है इसका रीजन राजनीतिक दल जो क्षेत्र के आधार पर बने हुए हैं कई सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो क्षेत्र को बहुत ज्यादा महत्व देती हैं वो क्या करते हैं कि अगर मान लेते हैं एक क्षेत्र है एक राज्य है उस राज्य में एक राजनीतिक दल है वो अब किसी एक पार्टी है जो क्षेत्रीय पार्टी है और वहां के लोगों के लिए काम कर रही है तो ऐसे में वो क्या कोशिश करती है किसी दूसरे राज्य के लोग आकर के इस राज्य में काम ना करें किसी दूसरे राज्यों के लोग आकर के यहां पर बड़े बिजनेस ना कर पाए नौकरियां ना कर पाए उसमें वो कोशिश करती है उनका विरोध करती है उनके साथ जैसे भी चाहे उनको मार पीट करके भगाने की कोशिश हो डरा धमका करके भगाने की कोशिश हो सरकार पे प्रेशर बना करके उनको स्थानीय क्षेत्रों से दूर रखने की कोशिश हो इस तरीके के कार्य करती है इससे भारत की एकता प्रभावित होती है तो ये ध्यान रखना है कि भारत में इन क्षेत्रवाद की बजाय एक सभी लोगों को इंडियन नेस की फीलिंग होनी चाहिए भारतीयता की फीलिंग नहीं है वही जो चक दे इंडिया वाला ए, सीन है ना शाहरुख खान का सेम वैसा ही यहां पर भी लगता है चक दे इंडिया मूवी में क्या होता है कि शाहरुख खान एक हॉकी टीम के कोच होते हैं महिला हॉकी टीम भारत की और उसमें सारे अलग अलग राज्यों की से लड़कियां सेलेक्ट होकर के कैंप में आती हैं शाहरुख खान उनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं तो हर कोई अपना नाम बोलता है फिर अपने राज्य का नाम बोलता है कोई कहता है झारखंड से हूं कहता है मैं उत्तर प्रदेश से हूं चंडीगढ़ से हूं महाराष्ट्र से हूं ठीक है कोई राजस्थान अलग अलग किसी ने भी वहां पर आकर के ये नहीं कहा कि मैं इंडिया से हूं एक लड़की आती है और वो आकर के अपना नाम बोलते फिर बोलते कि आई एम फ्रॉम इंडिया इंडिया फिर देखो वहां पर सीन बनता है ना और है भी ऐसा सीन कि रोंगटे से खड़े हो जाते मैं तो जब भी वो फिल्म देखता हूं तो एकदम ऐसा लगता है कि एकदम अंदर से फील आती है भारतीयता वाली तो वो वाली फील चाहिए होती है है ना तो एक तो क्षेत्रवाद भारत की राज एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है वो है सांप्रदायिकता ये एक बहुत बड़ा खतरा एक बहुत बड़ी समस्या भारत के नेशनल इंटीग्रिटी के लिए भारत की एकता के लिए है, वो देखने को मिलेगा अब इसके तहत आप क्या देखते हैं धर्म के आधार पर अलग अलग धर्म के आधार पर एक दूसरे की पहचान हो जाती है भारत में इवन राजनीति में आप देखो ना वोटिंग के टाइम भी अलग अलग धर्म के आधार पर वोटिंग करने की मांग करते हैं बहुत सारी पार्टियां और लोग अपने अपने धर्म के आधार पर वोट भी डालते हैं आप देखना बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म में विवाह करते हैं खुशी खुशी करते हैं मजबूरी में बहुत सारे लोग करते हैं जैसे किसी को प्यार मोहब्बत हो गया और वो बच्चे मान ही नहीं रहे ठीक है तो घर वालों को मजबूरी में करनी पड़ गई नहीं तो अगर उनकी पहली पसंद पूछी जाए तो वो ये कोशिश करते कि अपने धर्म में सारी चीजें हो इसके साथ साथ एक धर्म के आधार पर इतनी सारी पार्टियां इतने सारे दल जो है ना वो उभरने शुरू हो गए कि वो एक दूसरे को एक साथ रहने नहीं देते वो कोशिश करते हैं ये दिखाने की इस कर जताने की कि अलग अलग पार्ट धर्म है वो अलग अलग है एक साथ नहीं रह सकते इस चक्कर में भारत की एकता जो है वो प्रभावित होती है ऐसे ही हम बात करें तो जातिवाद तीसरी चीज की अगर हम बात करते हैं तो जातिवाद तो जाति के कारण भी भारत में एकता प्रभावित होती है आजकल लोग अपनी जाति को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं भारतीय होने के बजाय वो किसी जाति विशेष का व्यक्ति कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं अलग अलग कास्ट के साथ अपना जुड़ाव जो है वो वहां पर बताते हैं इलेक्शन में वोटिंग करेंगे तो भी कास्ट के आधार पर शादी विवाह करेंगे तो भी कास्ट के आधार पर ठीक है तो ये भारत की एकता अखंडता को बहुत बड़ा खतरा है भाषा लैंग्वेज जो है ये एक बहुत बड़ा खतरा है भाषा के आधार पर अपने आप को दूसरों से अलग रखना जैसे अंग्रेजी भाषा का तो एक अलग ही आप देखोगे रुतबा है भारत के अंदर खास करके कई सारे लोग जो हैं वो उनको लगता है कि यार हिंदी भाषा बोलना या हिंदी भाषा समझना जो है वो इज्जत चली जाती है इसके अंदर बेइज्जती जैसी बात महसूस करते हैं वो अपने आपके ऊपर ही कॉन्फिडेंस महसूस वो नहीं रख पाते जैसे अंग्रेजी भाषा वाला कोई बोलता हुआ दिख गया तो उसके ऊपर फिदा हो जाएंगे फैन हो जाएंगे अगर वाक्य अंग्रेजी है है ना ऐसे ही भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं अलग अलग क्षेत्रों में और वहां पर फिर किसी दूसरी भाषा का विरोध करना दूसरी भाषा के लोगों को अपने बराबर ना समझना ये एक बहुत बड़ी समस्या भारत के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर के निकल करके आती है तो ये सारी की सारी ये प्रमुख चीज़ें हैं जो भारत की राष्ट्रीय एकता नेशनल इंटीग्रेशन को खतरा है इनको दूर करने का उपाय यही है कि एक एजुकेशन सिस्टम बढ़िया तरीके से हो सरकार की तरफ से अवेयरनेस के प्रोग्राम थोड़े बढ़िया तरीके से चलाए जाएं लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने के लिए ठीक है हम सबको आप सबको मिल करके एक मानसिक रूप से परिपक्वता लाने की जरूरत है सिविल सोसाइटी को मानसिक रूप से परिपक्व होने की आवश्यकता है ठीक है तो वो जब वो परिपक्वता का लेवल थोड़ा हाई होगा तो हम इन मामलों से निकल जाएंगे जबकि फालतू की चीजें और कुछ भी नहीं है ये बिना बात की चीजें जिनके ऊपर आपस में लोग लड़ते रहते हैं और, और कुछ नहीं है चलिए अगला चैप्टर पे आ जाते हैं विदेश नीति भारत की विदेश नीति फॉरन पॉलिसी अब दो ही चैप्टर बच गए फॉरन पॉलिसी का चैप्टर बच गया एक तो और एक संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग ये ज्यादा बड़े नहीं है मैं एक बार देख लेता हूं कितना है फिर उस हिसाब से इसको करते हैं कंटिन्यू छोटे छोटे से चैप्टर बचे हुए हैं ज्यादा है नहीं ठीक है तो इनको हम नॉर्मल नॉर्मल चीजें करते हुए चलेंगे इसमें में भी हो सकता है कि टाइम लगे थोड़ा है ना फिफ्टी सेवन तो इसको कंटिन्यू रखें या अलग से क्लास लेकर गए इसमें क्या करना चाहिए इसको कंटिन्यू रखें या अलग से क्लास लेकर गए दो ही चैप्टर बचे हैं ठीक है ज्यादा बड़े चैप्टर्स हैं नहीं तो इन दोनों चैप्टर्स को कोशिश करते हैं जल्दी से कंप्लीट करने की ठीक है खत्म करने की इनको इनको कल सुबह कराते हैं कल मॉर्निंग की क्लास में कराते हैं आज के लिए रहने देते हैं ठीक है कल सुबह कराते हैं कल मॉर्निंग में करा देंगे दो चैप्टर बचे कल मैं करा दूंगा आप में से मेरे जितने भी दोस्त हैं क्लास को लाइक शेयर करना कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी ठीक है और रात में नौ बजे अपनी क्लास होगी उस क्लास में आ जाना है एनसीआरटी का ट्वेल्थ क्लास की एनसीआर का चैप्टर नंबर सेवन जो पेंडिंग था वो वाला चैप्टर अब स्टार्ट करा देंगे सेवन एट नाइन तीन चैप्टर पेंडिंग है ट्वेल्थ क्लास के एनसीआर के वो अगले तीन दिन में मैं रात में करा दूंगा तो कल सुबह नौ बजे कोशिश करते हैं कि ये वाली क्लास जो है ये वाला चैप्टर जो है आपका मैं कंप्लीट करा दूं लाइक शेयर करना और अनु ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है ठीक है? -E. तो ये कोड लगाना एल वाई एल आई वीई जब भी अन अकेडमी का कोर्स ले एल वाई लाइव कोड लगा करके लेना प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी प्रॉपर हेल्प मिलेगी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी चलिए रात में नौ बजे मिलते हैं तब तक आप सबको मेरी तरफ तो से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं जय हिंद जय भारत क्रैक क्रिकेट